तो तीन दिन के ब्रीदर, तीन दिन बंद रहने के बाद भारतीय बाजार आज खुलने जा रहे हैं और खुलने जा रहे हैं सोमवार के दिन, जहां भारतीय बाजार वहां विदेशी बाजार से इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं वो गिरावट के, बिकवाली का दबाव, लेकिन ड्रॉबैक भारतीय बाजार के लिए एक पॉजिटिव बेनिफिशियरी के तौर पर साबित हो रहा है। इस वक्त एसडीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे करीब 100 अंकों की बिकवाली है, और साथ ही शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट से भी बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। क्लियरली जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप जैसी कंपनियों ने अच्छे नतीजे भी पेश किए, लेकिन उसका भी एक पॉजिटिव आउटकम भारतीय यूएस के मार्केट्स पर बिल्कुल नजर नहीं आया, क्योंकि वहां पर मंदी की चिंताएं हैं जो कि लगातार काफी हद तक टेंशन्स क्रिएट कर रही हैं। गुड मॉर्निंग अजय, वैसे तो एक छोटे से ब्रीदर, छोटे से वेकेशन के बाद आप भी लौटे हैं, लेकिन नाम का ही वेकेशन था आपके एक्सक्लूसिव ने ड्यूरिंग द वीक कह सकते हैं कि धमाल मचाया था। देखिए ऐसा है कि बिजनेस जर्नलिस्ट जो है वो कभी भी छुट्टी पे नहीं होते, वो जो है जहां उन्हें कोई अच्छी खबर मिल जाए जो हमारे व्यूअर्स के लिए और बाजार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है उसे ब्रेक कर दीजिए, तो यही हाल हमारा भी था। लेकिन यूएस मार्केट में आप फ्राइडे के एक्शन को मत देखिए, आप देखिए पूरे हफ्ते का, लास्ट हफ्ते, पिछले हफ्ते चौथा बैक टू बैक स्ट्रेट वीक था जहां यूएस मार्केट में गेन्स हुए, और आप देखिए कि यूएस अगर आप डाउ को ला सकें डायरेक्टर साहब या डॉलर इंडेक्स को ला सकें, डॉलर इंडेक्स और वहाँ की बॉन्ड यील्ड्स घट रही हैं, और वो ये बात फैक्टर इन कर रही है कि आगे आने वाले इकोनॉमिक रिसेशन की बात कर रहे हैं। 102 के नीचे हो गई डॉलर इंडेक्स, यील्ड्स भी कमजोर हैं, बट बाजार इस समय रैली कर रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं हुआ देख के, कि डाउ अब सिर्फ 2000 पॉइंट रह गया है, 34,500 का हाई था पिछली बार, और 32,000 समथिंग पे डाउ ऑलरेडी नीचे आ चुका है वहां तक जी, और बहुत ज्यादा रैली के मूड में। नीचे से अगर आप देखें दिसंबर से क्या जबरदस्त रैली हुई है, 3800 पर तो क्लोज हुए थे, 3800 करीब आ गया उसके, 34,500 का हाई था, तो ज्यादा दूरी नहीं रह गया। यूरोपियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गए, तो कहीं 52 वीक हाई पे, सॉरी, तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट का बैकड्रॉप बहुत मजबूत है। अब आप कहेंगे कि हो क्या रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है वो, जितना भी कोर इन्फ्लेशन का डेटा हो, इन्फ्लेशन का डेटा हो, पेरोल का डेटा हो, आपके जॉब्स का डेटा हो, सब कमजोर होना शुरू हो गए, वहीं से पावर आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि रिसेशन की आंच अभी नंबर्स पे नहीं आई है, इसीलिए जो आपने नंबर्स बताए, जो बैंक के अर्निंग्स बताए, वो अभी आपको कमजोर नहीं दिखे। अच्छा। आज भी इस हफ्ते भी बहुत सारे बैंकिंग के अर्निंग्स हैं यूएस में, लेकिन जब रिसेशन की बात हो रही है तो एक दो क्वार्टर के लैग के बाद अर्निंग्स में आएंगे, अर्निंग रिसेशन जिसे कहते हैं। अभी हम इकोनॉमिक रिसेशन की बात कर रहे हैं, बाजार उसको शायद नहीं देखेगा। इकोनॉमिक डेटा अगर कमजोर होता चला गया तो यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा है वो फेड उसको देखता है, फेड अर्निंग्स को नहीं देखता। तो मामला ये है कि इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट है, आप पर इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि वो सम अंडर परफॉर्मेंस मेकअप करते हैं या नहीं। ओके, ऑलराइट, तो ये तो ग्लोबल मार्केट्स की बात हुई कि अब डोमेस्टिक मार्केट में क्या ट्रिगर होने चाहिए, जब हम भी 1000 पॉइंट चल चुके हैं और अब नंबर्स आए हैं, हम एचडीएफसी बैंक नंबर्स की बात कर रहे थे, सरप्राइज तो किया है। अगर आप रिटेल लोन ग्रोथ देखें तो वो तो बड़ी है, लेकिन स्ट्रीट को थोड़ी एक्सपेक्टेशन, थोड़ी तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है। नंबर्स का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा अर्निंग्स का, पिछले हफ्ते हमने देखा, इनफैक्ट हम भी 3 हफ्ते से चल रहे हैं। आप नहीं देखिए, पहले सिर्फ एचडीएफसी की बात करते हैं, क्योंकि आपने उससे बात स्टार्ट की। एचडीएफसी बैंक 1700 रुपए पे है, लेके आइए डॉक्टर साहब एचडीएफसी बैंक का स्टॉक लेके आइए, और ये बताना जरूरी है कि स्टॉक 52 वीक हाई पे आ चुका है एचडीएफसी बैंक का। हो सकता है कि ये एक सेक्शन ऑफ द मार्केट कहे कि साहब एचडीएफसी बैंक के नंबर धमाकेदार नहीं थे। धमाकेदार किससे, रिलेटिव टू व्हाट, अपने एक्सपेक्टेशन के वनस्पत धमाकेदार नहीं थे, वरना अनुमान इतना स्ट्रांग था और उनके साथ आए। तो मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक को कुछ खास फर्क पड़ने वाला है आज, और अगर आपको कोई पुल बैक मिलता भी है, वो बहुत स्ट्रांग हैंड्स में जा रहा है वो स्टॉक, आपको पुल बैक में, अब डेटा देखिए, एचडीएफसी बैंक लास्ट 3 क्वार्टर से सारे फंड्स ने ऐड किया है, 1300 वाला 1700 हो गया। तो ये मुझे बड़ा अचंभा लग रहा था, बहुत सारे हमारे भी फ्रेंड सर्कल में लोग कहते हैं एचडीएफसी बैंक में मजा नहीं आया। अरे साहब अभी आपने क्यों अपडेट्स देखे, तो उसके बाद स्टॉक 5% चला था, तो ये नंबर की रेलेवेंस थोड़ी कम हो गई। सारे पैरामीटर्स पे मजबूत है नंबर्स, जी हाँ स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी एलिवेटेड थी, उसके मुताबिक आए, बट स्टॉक पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं आना चाहिए, और अगर आता है दबाव तो ये मौका देखना चाहिए कि स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में। बट ये बात आईटी के ऊपर नहीं लागू हो सकती है, क्योंकि आईटी में इतनी डीरेटिंग हो चुकी है, उसके बाद बिहाइंड द कर्व भी चलते हैं, लेकिन बाजार ने ऑलरेडी डाउनग्रेड किया हुआ है। आईटी इंडेक्स लास्ट वीक लैगर्ड था,
आईटी के सारे टॉप बड़े स्टॉक ऑलरेडी कई महीनों से गिर रहे हैं। मैं आपको दूसरा बताऊंगा कि अगर आप शॉर्ट हैं ऑलरेडी आईटी पे और इंफोसिस पे, आज भी 10% का नीचे खुलेगा, तो आपको करना क्या है, भी कवर करें या थोड़ा रुक के कवर करें, या बॉटम बनेगा या नहीं इस इंफोसिस में इस हफ्ते, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इंफोसिस की डीरेटिंग या आईटी की डीरेटिंग आज से तो होनी रही है, कब से हो रही है और इस महीने कहीं ऐसा ना हो कि रिवर्स हो जाए, आपको 1100-1200 रुपए में इंफोसिस मिले तो बॉटम हो जाए वो, तो आपको इस हिसाब से देखना। अगर आप शॉर्ट नहीं है तो आपको इंफोसिस मौका ही नहीं देगा, कोई बड़ा स्टॉक आईटी का मौका ही नहीं देगा। और इन दोनों की चाल के ऊपर और रिलायंस, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का फ्राइडे को रिजल्ट है, वो 2208 का लो बना के इस समय करीब 2450 के आसपास आ गया, 2400 के ऊपर है, तो ये तीनों स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में आपको, इवन ICICI बैंक उसका भी रिजल्ट है इस हफ्ते, तो बाजार का माहौल इन चार पांच बैंक से एटलीस्ट इंडिसीज का माहौल डिसाइड होगा। बट अदरवाइज तो आप 1000 पॉइंट चले हुए, पुल बैक में एंट्री का मौका देखें। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा इससे पहले कि हम तीन स्टॉक्स और डीपी से ही बात करें, कि क्वालिटी मिड कैप्स, चाहे वो रियल एस्टेट स्टॉक्स हो, होम इम्प्रूवमेंट स्टॉक्स हो, NBFCs हो, मैं बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आपको लास्ट वीक का आपने डेटा देखा ही होगा और उसकी तरह नजर बना के रखें। ये जो 14,000 करोड़ रुपए ऑल टाइम हाई SIP आया है, वो सारा पैसा लार्जली क्वालिटी मिड कैप्स की तरफ भी जा रहा है, तो उनके ऊपर जरूर से नजर बना के रखें। चलिए, तो बिल्कुल ये क्वालिटी मिड कैप्स में अच्छा काम हो रहा है, लगातार इटिनॉल स्वदेश भी इन क्वालिटी मिड कैप कंपनियों के मैनेजमेंट से आपकी बातचीत करवा रहे हैं। और ऐसे ही एक मैनेजमेंट से रियल एस्टेट सेक्टर के आज आपसे बातचीत हम करेंगे, और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर जो HDFC बैंक के नंबर्स आए और IT सेक्टर पर भी विस्तार से बातचीत होगी बुलेटिन में आगे। लेकिन इस वक्त FNO की पोजिशनिंग कैसी है वो डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, फ्रेश लॉन्ग्स का ट्रेंड तो बन रहा है, लेकिन बताएं ओपन इंटरेस्ट में कितने बदलाव है और इस वक्त कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि एक्टिव हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, और मैं आज के बाद से इत्तेफाक भी रखता हूँ कि 17,600 के बाद से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हुआ। ये बात हमने आपको पिछले हफ्ते भी नोटिस कराई थी कि बाजार अब बाइंग ऑन डिप्स का है, सेल ऑन राइज का जमाने लद गए हैं। खैर, क्योंकि बाजार के अब दो हिस्से हैं, एक तो चला हुआ मार्केट है, दूसरा अर्निंग की सपोर्ट में अभी तक दो बड़े प्लेयर्स आपके हाथ में नहीं आए, वो छटक के चले गए, TCS और इंफोसिस। इसलिए एक दो दिन अभी आप वॉच कीजिएगा, अगर कुछ भी ठीक नहीं होता है तो ये धीरे धीरे जो भी आप शॉर्ट कवरिंग वगैरह देख पा रहे थे ये फेड होती हुई दिखेगी, उसके कुछ एक साइन तो हमको दिख रहे हैं। हालांकि बहुत जल्दी होगा अभी कहना कि ये शॉर्ट कवरिंग फेड हो रही है, क्योंकि डाटा अभी तक तो स्ट्रांग है। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स दिखाता हूं। अभी आप जो देख पा रहे हैं अपनी निफ्टी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर देखेंगे करीब 2% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, ताजा खरीदारी हुई है, 17,800 के ऊपर बैक टू बैक आपकी सेकंड डे क्लोजिंग हुई है और फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है। इसलिए इंफोसिस का रिजल्ट कॉर्नर कर सकता है अपने आप को, वो शायद इंडेक्स को ज्यादा परेशान ना करे, शुरुआती झटका देगा, उसके बाद शायद हम दोनों को सेपरेट होते हुए देखेंगे। एक पॉइंट और मैं आपको नोटिस करा देता हूं, अभी आप बैंक निफ्टी दिखाइएगा सेकंड नंबर्स में, उसमें आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट करीब 7% का है, लेकिन यहां पर ना प्रीमियम कम हो गया है। प्रीमियम 200 पॉइंट का था शुरुआत में, करीब 230 पॉइंट का, अब ये रह गया सिर्फ 50-60 पॉइंट का। इसका मतलब जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो हो गई। अब जो लोग खड़े हुए हैं उनकी उम्मीद और भावना ये कहती है कि बाजार चलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके चलेगा, इसलिए उनका प्रीमियम्स कम हो गया। प्रीमियम टिपिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है भावनाओं का, कि आप आगे का क्या देख रहे हैं। आ जाते हैं PCR पे। देखिए, पुट कॉल रेशियो काफी स्ट्रांग है, बुल्स की ग्रिप काफी स्ट्रांग है, इंफोसिस जैसे नंबर्स बाजार को ज्यादा हिला डुला नहीं पाएंगे, वो एक सेगमेंट है, एक एरिया है बाजार का, लेकिन वो कॉर्नर हो सकता है, इसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स के हिसाब से देख रहे हैं, ना ही आपका दोस्त ना ही आपका दुश्मन है, क्योंकि ये करीब चल रहा है 11-12 के आसपास, 11.5-11 के आसपास आपका लो बनता है, 13.5-14 से आपके पास थोड़ा फियर बढ़ता है। तो मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगा कोई खास बड़ा डिसाइसिव मूव देगा नहीं, जो होगा ओपनिंग के बाद होगा, या तो कवरिंग आ जाएगी या तो थोड़ी बहुत और गिरावट आएगी, बस इससे ज्यादा बड़े मूव नहीं आएंगे। एक चीज मेरे को नोटिस करवानी है, आपको FIs के नंबर में मिलेंगे, कैश सेगमेंट में, फ्यूचर सेगमेंट में, ऑप्शन सेगमेंट में, स्टॉक्स की ऑप्शन सेगमेंट में, FIs ने सब कुछ खरीदा है, 14,000 करोड़ रुपए खरीदा है। क्या FIs को इंफोसिस के नंबर नहीं पता? जी हाँ, उनको अच्छे से पता है कि इंफोसिस के नंबर या TCS के आउटग्रेड क्या होती है। इसलिए मान लीजिए कि दूसरी बात से भी
इत्तेफाक रखता हूं, जो रिपोर्ट कह रही है और जो मार्केट में हो रहा है उनमें कई बार फर्क होता है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एफआईएस का जो पैसा मार्केट के अंदर आया है ये फील गुड करवाने वाला पैसा है और आपको काफी होप देके जाता है। मैं आपको लास्ट में अब इनका परसेंटेज भी बता दूंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। खैर आगे मैं थोड़ा और बताऊं ऑप्शंस के डाटा की तरफ, ऑप्शंस का नंबर आएगा। देखिए 17,800 ना आज मार्केट के लिए मेक ब्रेक है निफ्टी के लिए। आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में चलते हुए देखे, सिर्फ 15 पॉइंट निफ्टी में चला। ये जो डाइवर्जेंस है ना ये आज निफ्टी के अंदर आपको और दिखेगा क्योंकि इंफोसिस पार्ट है निफ्टी का, तो इसलिए निफ्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग की। बैंक निफ्टी में ज्यादा घबराइएगा नहीं क्योंकि 42,000 का जो सपोर्ट है वो बाजार के लिए शायद आज काम आ जाएगा क्योंकि 42,000 की कॉल्स के अंदर ज्यादा पिटाई नहीं हुई बल्कि खरीदारी हुई है। एक पॉइंट मैं और नोटिस कराता हूं जो लास्ट में चलते चलते कराता हूं, वह एफआईएस का नंबर। एफआईएस 40% हो गए हैं लॉन्ग साइड में, इस मंथ की शुरुआत में सिर्फ 9% थे वो, डेट मीन्स 4 times एफआईएस का पैसा मार्केट के अंदर आया है। इसलिए आप ये 1,000 पॉइंट की रैली देखने के बाद भी अब डर नहीं लगता कि हम नीचे गिर जाएंगे, ये एफआईएस के मनी की पावर है। दूसरा, रिटेल थोड़ा स्मार्ट है और मैं बोलूंगा थोड़ा डरता भी है क्योंकि उसके पास 60% की होल्डिंग थी लॉन्ग की, जैसे से बाजार चला उसने अपनी 10% होल्डिंग कम कर ली। ये पैसा कमजोर हाथों से स्ट्रांग हाथों में चला गया, रिटेल के हाथ से एफआईएस के हाथ में चला गया, इसलिए थोड़ा एक नोटिसेबल पॉइंट है जो आपको 3-4 दिन से नोटिस करा रहा हूं। दो शेयर एफ एंड बैन में है, डेल्टा और बलरामपुर चीनी। एफआईएस की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, खरीदारी कर रहे हैं एफआईएस, तो ये तो दिख रहा है। बिल्कुल एमपी, शुक्रिया ये सारा डेटा एनालाइज करके कंपाइल करने के लिए। अब जिन दो बड़े स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं, यानी पहले एक एक करके एड्रेस करते हैं। पहला आईटी, इंफोसिस के नंबर और नंबर्स के बाद अब कैसा पॉसिबल एक्शन देखने को मिल सकता है आईटी स्टॉक पर। पहले एक बार नंबर्स पर ब्रोकर हाउस के व्यूज क्या है ये सारी डिटेल्स शरद से ले लेते हैं इंफोसिस पर। शरद बताएं। जी बिल्कुल, इंफोसिस के एडीआर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं लगभग आप कह सकते हैं 10% का गिरावट ओवरनाइट बेसिस पे देखने मिला। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ में 3.2% का सिक्वेंशियल बेसिस पे डीग्रोथ आया है। मार्जिन्स पे भी 50 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए पैट में लगभग 7% का गिरावट भी आया है सिक्वेंशियली। जो गाइडेंस होती है FY23 के लिए उससे वो कम आया है, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ का 15.4% आया है, लेकिन जो अनुमान था वो लगभग 16-16.5% का था। और सीसी रेवेन्यू ग्रोथ बात करें तो सबसे बड़ा डीग्रोथ देखने मिला है सिंस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21। इसके अलावा याद रखें जो FY24 की गाइडेंस है वो भी वीकर साइड में देखने मिली, लगभग 4-7% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है। और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करें तो लगभग 22% का है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है, ऑफकोर्स वो कह रहे हैं कि जो कंपनी है उसके लार्जेस्ट पाइपलाइन ऑर्डर जरूर चल रहा है, लेकिन अभी भी एनवायरनमेंट जो है अभी अनसर्टन है डील मेकिंग को लेके। आगे जाते हुए जो Q4 डील का विन था लगभग $2.1 बिलियन का था और लगातार दूसरे क्वार्टर में एट्रिशन में इंप्रूवमेंट आई है। ब्रोकरेजेस की बात करें तो नोमोरा जो है डाउनग्रेड किया है टू न्यूट्रल फ्रॉम बाय से, टारगेट प्राइस भी घटाया है लगभग 1290 रुपये कर दिया है, और अर्ली टारगेट प्राइस 1660 रुपीज़ पर शेयर था। क्रेडिट स्विस भी डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को न्यूट्रल से, पहले आउट परफॉर्म था, टारगेट प्राइस 1760 से कट करके 1240 पे कर दिया है। और आखिर में जेफरीज के बारे में बात करूंगा जहां पे उन्होंने मेंटेन बाई रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 1770 से लेके कट करके 1570 कर लिया, और ओवरऑल एट एन एवरेज देखा जाए तो 9% जो है कंपनी की एवरेज टारगेट प्राइस में रिडक्शन देखने मिली है। एब्सोल्युटली शरद, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन्फोसिस के नतीजों को विस्तार से हमारे सामने रखने के लिए। तो क्लियरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गाइडेंस जो है लगातार वीक होती नजर आ रही है और इसी के चलते एनवायरनमेंट जो है ऑल इन ऑल आईटी सेक्टर के लिए और इन पर्टिकुलर इन्फोसिस के लिए काफी हद तक अनसर्टेन हो रहा है। नतीजों के ठीक बाद मैनेजमेंट ने बातचीत की और मैनेजमेंट का खास तौर से इन्फोसिस के ये कहना था कि डिजिटल क्लाउड और ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज पर खास तौर से नजर है, और जब इन्फोसिस आपके सलिल पारख ने बातचीत की अपने टेकअवेज दिए, उनका ये भी कहना था कि कई सारे एक्साइटिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि पाइपलाइन में आने वाले क्वार्टर्स में नजर आएंगे। एक बार वो बातचीत आपको सुनाते हैं। इन Q4 वी सॉ चेंजेस इन द मार्केट एनवायरनमेंट, ड्यूरिंग द क्वार्टर वी सॉ अनप्लान्ड प्रोजेक्ट रैम डाउन्स इन सम ऑफ आवर क्लाइंट्स एंड डिलेज इन डिसीजन मेकिंग व्हिच रिजल्टेड इन लोअर वॉल्यूम्स। In addition, we had some one-time revenue impact. While we saw some signs of stabilization in March, the environment remains uncertain. This led to our Q4 year-on-year growth of 8.8% in constant currency and quarter-on-quarter decline of 3.2%. Our operating margin was resilient at 21% for the quarter. We had $2.1 billion in large deals in the quarter.
ओके, तो नंबर्स तो वीक रहे हैं, लेकिन अजय आप जो एक इंडिकेशन दे रहे थे कि टेक्नोलॉजी पे इंफोसिस के बॉटम पे प्रोसेस दिखने लगा है, देखिए सबसे पहले ना करेगा क्या आज प्रियंका, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि जो नतीजे इस बार आए हैं, जो डी ग्रोथ दिख रही है आपको क्यूओक्यू, और वो पर्सपेक्टिव में मैं आपको डालता हूँ कि जो 3.5% डी ग्रोथ दिखी है क्यूओक्यू इस क्वार्टर में, वो कोविड में भी नहीं दिखी थी। कोविड में 1% जो कोविड, जिस क्वार्टर में कोविड लो बना था उस क्वार्टर में 1% डीग्रोथ हुई थी क्यूओक्यू, तो ये उससे भी ज्यादा खराब है। तो आज ही आपको खरीदना है इन्फोसिस, ऐसा मत करिए, क्योंकि जी हाँ आप कह सकते हैं कि इन्फोसिस कितने भाव से गिरता चला आ रहा है। एक साल ग्राफ दिखाई डेटा साहब इन्फोसिस का, 1400 रुपये का भाव है, आज 10% जाएगा ये कहीं ना कहीं, तो आप लगा लीजिए 150-200 रुपये आज चला जाएगा। लेकिन आज नहीं, ये गिर देखिए कब से रहा है, 52 वीक लो पे ऑलरेडी, और वहाँ से तो ओवर क्या होता है कि बाजार एक्सटेंड करता है, एग्जैजरेट करता है नीचे की तरफ, तो अभी डीरेटिंग का प्रोसेस थोड़ा जारी रह सकता है इसके अंदर। और यही नहीं, पूरा आईटी सेक्टर डीरेट होगा आज इनके रिजल्ट की वजह से। डीसीएस का तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन इनका जो चीज इनके ऊपर हावी है वो पूरे सेक्टर पे हावी होगी, जो ग्रोथ स्लो डाउन, इसलिए लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इसमें कूदने की। आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल मिलेगी, आज तो बाजार एक भाव से सबको गिराएगा, लेकिन जिन बिजनेस मॉडल्स में ग्रोथ ज्यादा है, मार्जिन मैनेजमेंट ठीक है, जो लार्जली सेलेक्ट मिड कैप्स हैं, वो ज्यादा पहले रिबाउंड करेंगे। ये जो जेनरिक बिजनेस वाले जो लार्ज कैप आईटी हैं, वो थोड़ा समय लगाएंगे, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इट कैन बी वेरी वोलेटाइल फॉर आईटी टुडे, बिल्कुल वो दबाव बना के रखेगा। ओके ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बात आईटी सेक्टर पर। हमारे साथ एनालिस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ मितेश पंचाल हैं और साथ ही प्रशांत सावंत हैं, आज के ट्रेड पर बात करने के लिए, आज की स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, प्रशांत एंड मितेश। मितेश, गुड टू हैव यू इन द मॉर्निंग। चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं, बताएं अब जब 1000 पॉइंट बाजार चल चुका है, तो आज क्या थोड़ा सा अगर बाजार कहीं नीचे डिप में मिलता है तो आप खरीदेंगे या फिर अभी रुकेंगे? इंडेक्स पे क्या स्ट्रेटजी है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग अदर पैनलिस्ट। डेफिनेटली अगर डिप मिलता है तो खरीदना चाहिए। रीजन इज दैट के पिछले आप अगर आप 6 या 7 दिनों से देखेंगे तो मार्केट हार्ट ऑफ हार्बर फॉर्मेशन में है, और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो 6 मार्च 2023 को था 17,799, वो सक्सेसफुली क्रॉस हो चुका है, और नाउ अब जो इंडेक्स है वो 18,500 के लिए पॉइस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये जो मार्केट में आज की गिरावट है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एस्पेशली बिकॉज ऑफ इंफोसिस एज वेल, तो वो हमको खरीदनी चाहिए। और जैसे अजय जी ने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया, अभी इंडेक्स जब इंटरनेशनल मार्केट, अब मैं वही इंडेक्सी से देख रहा था, तो कैग जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, फुटसी और डैक्स जो है वो अभी तक ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो जब वर्ल्ड मार्केट का हमको सपोर्ट है, तो ये जो अजय जी ने बात की कि क्वालिटी मिड कैप्स अभी उभर के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम है क्वालिटी मिड कैप्स को पिक करने का। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे अगले 1 से 3 महीने में, शायद आपको ये नहीं दिखेगा कि इंडियन मार्केट जो है वो तेजी में नहीं है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स रखेंगे तो डेफिनेटली आपको यही दिखेगा कि मार्केट जो है वो बहुत ही लंबी अवधि के लिए एक बुल फेज में चला गया है, लेकिन वही चीज जब आप इंडेक्स को लेके देखेंगे तो शायद आपको म्यूटेड दिखे। तो हमारा यही अप्रोच है, सिस्टम और मेथड यही दिखा रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक बहुत जबरदस्त तेजी अगले 6-9 महीने से लेके 1 साल तक आने वाली है। प्रशांत, मैं आपके पास वापस आता हूँ, आज आपके लिए कुछ स्पेशली लेके आया हूँ मैं, लेकिन उससे पहले राहुल जैन जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं दौलत कैपिटल के, उनसे बात करना जरूरी है। राहुल बहुत क्लोजली आईटी सेक्टर को वॉच करते हैं, और आईटी सेक्टर की जो डीरेटिंग चल रही है काफी समय से, क्या वो रुकेगी या वो एक्सटेंड हो सकती है नीचे की तरफ, स्पेशली इन्फोसिस में क्या करना चाहिए? आज 150-200 रुपए नीचे मिलता है तो आप लेंगे, क्या पेसिमिज्म पीक आउट हो रहा है या आप थोड़ा रुकेंगे? राहुल हाय, देखिए हम तो 1 साल से इस ट्रेंड को पुश कर रहे हैं कि मैक्रो वीकनेस है, तो ये सारे ग्लोबल कंपनीज में वी आर गोइंग टू सी द पेन, और अभी वो आता दिखाई दे रहा है। अभी ये पहला दूसरा क्वार्टर ही है जब हम लोगों ने पेन को महसूस किया है फ्रॉम ए ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बहुत जल्दी रिवर्स नहीं होने वाला। सो वैल्यूएशन वाइज हमको हो सकता है कि लगे कि ये 18 टाइम पे आ गया है, 19 टाइम पे आ गया है और काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये रिवाइव होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि नंबर जब तक अच्छे नहीं आएंगे तो
वापस स्टॉक क्यों रीरेट होने चाहिए, इसका कोई बहुत ज्यादा लॉजिक प्ले नहीं होगा। सो आई थिंक अगले 6 महीने एब्सोल्यूट रिटर्न इन द सेक्टर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अनलेस यू सी एनी पर्टिकुलर स्टॉक जहाँ पे कैटलिस्ट है। उस तरीके से अगर हम सोचे तो हमारे हिसाब से HCL टेक और टेक महिंद्रा दो नाम हैं जो हम एज ए हाउस पिच कर रहे हैं। इन्फोसिस वैल्यू बाय जरूर होगा, बट देन वहां पे पैसा बनाने के लिए हमें 2 से 3 साल का व्यू लेकर ही चलना होगा। इवन अगर वो 5-7% नीचे भी खुलता है तो एब्सोल्यूट रिटर्न वहां से बनाना इतना आसान नहीं होगा। बात बोली आपने राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। राहुल ने जिस्ट में ये बताया है कि जी हाँ, 1 साल से डीरेटिंग ऑन है, लेकिन वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, तो आपको बहुत उतावला नहीं होना चाहिए ये इन्फोसिस में बड़ा फॉल देख के कूद जाए आप लेने, ये थोड़ी जारी रह सकती है। अभी तो पहला क्वार्टर आया है जिसमें खास तौर पर कमजोरी नजर आई है, एक आध क्वार्टर रह सकता है तो वैल्यूएशन कम हो जाए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वैल्यूएशन कम हो गए, अपनी एंट्री मार ली और आपकी एंट्री मारने के बाद ही स्टॉक चलने लगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है ये लंबे टाइम करेक्शन में चला जाए, ये बात राहुल कह रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। ये सेक्टर एक लैगार्ड रह सकता है कुछ समय के लिए, ये बहुत अच्छी बात बताई राहुल ने, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे आज प्रियंका की मैं खरीद लूँ क्या, मैं क्या इतना दिन से गिर रहा है और घट और इतना इतना घटा हुआ और कितना घटेगा, मैं ले लूँ क्या, तो ये बताना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रशांत सावंत है हमारे साथ। प्रशांत गुड मॉर्निंग। प्रशांत आप क्या है आज, बुल है कि बेयर है? क्योंकि बाजार में तो हैट्स चेंज होती हैं, पार्टिसिपेंट्स वही रहते हैं। आज आपके लिए एक बड़ा प्यारा विजुअल लेके आए हम, क्यों? क्योंकि ये जो गाड़ी है उसका जो मैस्कॉट है वो बुल है, आप समझ गए होंगे। नई गाड़ी उरुस लॉन्च हुई है लैम्बोर्गिनी की, तो आप ये बताइए कि अभी आप इस समय बुल है या बेयर है? जी अजय जी, मानसी प्रियंका डेप्यूटी, गुड मॉर्निंग टू पैनलिस्ट एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं आज एक स्पेक्टेटर रहूंगा ऑन द इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स स्पेसिफिक जहां तक मैं देखूँ एक राय डेफिनेट देना चाहूंगा। बट एक प्रियंका ने जो स्टेटमेंट कही मुझे बहुत अच्छी लगी, एक 1000 पॉइंट की रैली हो चुकी है, अब थोड़ा ब्रीदर ले सकता है। तो इसी तरह से जब 18100 से हम 16800-1300 पॉइंट की वन साइड डिक्लाइन हुई थी, तभी भी एक ब्रीदर आता है। नॉर्मली ऐसे टाइम पे मार्केट से बाहर होना बहुत बेहतरीन होता है। ये वर्ड जो होता है ब्रीदर, ये बहुत जरूरी होता है और हमें ये समझना जरूरी होता है कि ये टाइम है थोड़ा वेट करने का और नेक्स्ट मूव के लिए डायरेक्शन लेने का। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो आपको आपके ट्रेड सेटअप में हेल्प करते हैं। जहां तक दोनों इंडाइसेस की बात है, अगर हम एक बार देखें तो क्लियरली दिखेगा कि बैंक निफ्टी एक जो डिक्लाइनिंग चैनल था उससे बाहर आ चुका है, जबकि निफ्टी अभी भी उसकी कगार पे है। तो अगर हम देखें तो जहां बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी वो बैंक निफ्टी में, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है। यहाँ पे अगर डिप मिले तो हम बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी में मैं डेफिनेटली वेट एंड वॉच ही करूंगा। मुझे यहाँ पे क्लियर कट अभी तक जो चैनल के बाहर नहीं आए तो हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। अगर हम गुरुवार की बात करें जब हम मिले थे तब आईटी पे मेरी यही राय थी कि वेट कीजिए, और ओवरऑल अभी भी यही राय होगी कि जैसे आपने कहा अजय जी कि जल्दबाजी मत कीजिए। ओवरऑल कोई भी रैली आए, मुझे लग रहा है इन्फोसिस TCS इस साल में, यानी हम अगर जुलाई अगस्त की बात करें, और अच्छे लेवल में मिल सकते हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक लेवल्स की जहां तक बात है, अगर हम सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो जो हम क्लोज हुए थे गुरुवार को वो था 17,880, ऑलमोस्ट 17,900 फ्यूचर्स में मान के चलेंगे। तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट होगा वो होगा, अगर हम आज के ओपनिंग के हिसाब से देखें तो एक मेक और ब्रेक जोन लेवल जिसे कहते हैं वो है 17,770, 17,770। इसके नीचे अगर क्लोज होते हैं तो शायद निफ्टी वीक हो जाएगा, और यहाँ पे इसके बाद जब भी रैली आएगी तो 17,800-18,850 एज अ रेजिस्टेंस यूज करे वर्क करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन दो तो पोजिशनली 17,770 निफ्टी अगस्त अप्रैल फ्यूचर्स मेक और ब्रेक लेवल, ये आपको हार्ड स्टॉप एक सिस्टम में स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, और ऊपरी लेवल पे जो गुरुवार का हाई है वही एक अहम रेजिस्टेंस होगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, एक मेजर रिजल्ट जो वीकेंड पे आया HDFC बैंक का, उसका रिएक्शन आज डेफिनेटली आएगा। हम जो क्लोज हुए थे गुरुवार को बहुत स्ट्रॉन्ग रैली, स्पेशली लास्ट के आधे पौने घंटे में बहुत बड़ी रैली आई थी, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली आधे घंटे में आई थी। तो मुझे लग रहा है 42,200 के आसपास क्लोज हुए थे। यहाँ पे जो पोजिशनल सपोर्ट जैसे मैंने निफ्टी में कहा 17,770, वो यहाँ पे होगा 41,625 अप्रैल फ्यूचर्स में। तो ये लेवल के नीचे अगर हम क्लोज होते हैं तो बैंक निफ्टी में वीकनेस आएगी, तब तक जब तक हम इसके नीचे क्लोज नहीं होते आप हर डिप को बाय कर सकते हो।
और इसको ही आप स्टॉप लॉस मान के चलो 41,625, और यहाँ से जो अपसाइड टारगेट्स होने चाहिए वो करीबन 42,400-500 तक होने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अब एक्सिस बैंक इस रैली को एक अच्छा फ्यूल दे सकता है, और HDFC बैंक अगर थोड़ा वीक हो एक्सिस बैंक इसको बैलेंस कर सकता है। तो इन दोनों इंडाइसेस में अगर बाय ऑन डिप्स करना हो तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करना चाहिए। Absolutely. तो चलिए दोनों एक्सपर्ट्स का इंडेक्स पर नजरिया हमने जाना, लेकिन आई वुड अर्ज द पैनल एंड साथ ही आई वुड अर्ज द टीम कि लंबोर्गिनी की जो न्यूली इंडिया लॉन्च उरुस है उसके फुटेजेस टीवी स्क्रीन पर लेकर आएं, क्योंकि अजय जो हाईलाइट करना चाह रहे थे वो था उसका लोगो, और उसका लोगो जो है वो एक गोल्डन बुल है, राइट अजय? जी हाँ, इसीलिए ये कार जो है US में वॉल स्ट्रीट में बहुत फेमस है, चाहे इसकी SUV हो ये वाली या फिर इसकी सेडान हो, और सारे ग्लोबल फंड मैनेजर्स वॉल स्ट्रीट मैनेजर्स लेते हैं, और तब ये बात जो है इंडिया में जान गए हमारे प्रशांत जैसे जो बहुत ही एजाइल ट्रेडर हैं, कभी बुल कभी बेयर, पर दोनों साइड पे एक्यूरेट, इसलिए हमने डाली थी। और इंडिया में बड़ी फेमस हो गई, बहुत सारे फंड मैनेजर्स ये गाड़ियां ले रहे हैं आजकल। चलिए तो ये बुल फेज मार्केट में भी बरकरार रहे इसी उम्मीद के साथ स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज भी हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं। मितेश, आपके सिस्टम और मेथड्स जो हैं हमारे अप्रोच से भी बिल्कुल मेल खाते हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमने भी यही एडवाइस दी थी कि इंडेक्स को एक बार वॉच लिस्ट में रखें और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर ज्यादा फोकस करें। बताइए कौन से ट्रेड्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? तीन ट्रेड है। सबसे पहले तो टाटा मोटर में एक बड़ा मेगा ट्रेंड अनफोल्ड हुआ है बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड मेथड। तो टाटा मोटर का अगर आप देखोगे चार्ट, तो क्वार्टरली चार्ट के ऊपर फर्स्ट टाइम अभी वो जो प्रीवियस हाई था अगले क्वार्टर का 461.50 उसको क्रॉस करके अभी टाटा मोटर एक नई पारी के लिए तैयार हो रहा है। हमारे हिसाब से टाटा मोटर्स जो है वो अभी एक मेगा ट्रेंड में आ चुका है, और अगले 1-3 महीने तक आप सभी एनालिस्टों के मुंह से टाटा मोटर की ही कॉल सुनेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड है अभी वो रुकने वाला नहीं है। तो टाटा मोटर में हमारी खरीदारी की सलाह है, ये एक या दो क्वार्टर का लेनी है, परहैप्स अगले एक साल में अगर पूरे ऑटो पैक में अगर कोई स्टॉक अगर शानदार रिटर्न देगा तो वो हमारे हिसाब से टाटा मोटर है। तो सबसे पहला कॉल है टाटा मोटर, जिसका टारगेट हमने इंटरमीडिएट टारगेट रखा है 536, और अल्टीमेटली वो अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था 2015 में 606.28 रुपया वो क्रॉस करके अल्टीमेटली 610 रुपया अगले 9-12 महीने में लगाएगा। तो सबसे पहले टाटा मोटर का एक मेगा ट्रेंड शुरू हुआ है तो उसके ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। जैसे अजय जी ने बताया था कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक सिस्टम और मेथड भी वही स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेके आ रहे हैं, जिसके ऊपर शायद बाजार या मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अभी एक कन्विक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे रैली बढ़ेगी वो कन्विक्शन आएगा। तो दूसरा है जस्ट डायल। जस्ट डायल में भी एक बहुत ही मेगा जो ट्रेंड है वो अनफोल्ड हुआ है, और अगर आप जस्ट डायल का चार्ट देखेंगे क्वार्टरली, तो पिछले चार क्वार्टर में राइट फ्रॉम स्टार्टेड 30th of September 2022 एक कंसोलिडेशन जोन में है, जिसका हाई था 685 जो लास्ट क्वार्टर का था। स्टॉक अभी 642 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमारे हिसाब से बहुत ही बड़ा एक ट्रेंड जो है वो जस्ट डायल में बहुत ही लंबी अवधि के बाद अनफोल्ड होगा, जिसमें पहला टारगेट हम लोग रख रहे हैं 945 का और दूसरा टारगेट रख रहे हैं हम लोग 1020 का। तीसरा है क्रिसिल। अगेन अगर आप क्रिसिल का चार्ट देखोगे तो क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है पिछले दो क्वार्टरों से, और उसका जो ऑल टाइम हाई है 3,863.55 जो जून 2022 के क्वार्टर में लगा था, हमको लग रहा है सूनर देन लेटर अगेन अगले 3-6 महीने में क्रिसिल जो है वो एक नया हाई लगाएगा, और हमारा टारगेट क्रिसिल में जो है वो अभी बढ़ के आ रहा है 4,200। सो वी आर ऑफ द व्यू कि ये तो तीन स्टॉक्स है, जस्ट डायल, क्रिसिल और टाटा मोटर, उसमें एक मेगा ट्रेंड अनफोल्ड हो रहा है और अगले 3-6 महीने में बहुत ही बड़ी तेजी इन तीनों स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगी। मिथिलेश, आपके पोजिशनल कॉल्स होते हैं टाटा मोटर्स पे 600 के ऊपर का टारगेट यानी ऑल टाइम हाई के पास, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, और जस्ट डायल जो आपने पिक किया आज उसके नंबर्स भी हैं, तो ये तो स्टॉक्स वॉच आउट लिस्ट पे हैं ही। प्रशांत कहाँ बेट कर रहे हैं? प्रशांत, इंट्राडे बेट्स हैं आपकी, बताएं कहाँ आज होनी चाहिए नजर? जी प्रियंका, इंट्राडे बेट्स नहीं होंगी, थोड़ा एक पोजिशनल व्यू रखूंगा, और दो स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं जो एक ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, ऐसे स्टॉक्स होंगे। फर्स्ट होगा वोल्टास, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 800 के जस्ट नीचे, क्लोजिंग बेसिस स्पॉट हम मान के चलेंगे 795 के जोन को, और पोजिशनली होल्ड करूंगा टारगेट 870-885। मुझे लग रहा है ये अब एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन, दोनों ही स्टॉक्स मैंने ऐसे चुने हैं प्रियंका जहाँ पे बेस अच्छी बनी है,
और यहाँ से हम अच्छी रैली देख सकते हैं। और नेक्स्ट पीको का बाटा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1390 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, टारगेट होगा 1465 1465। इस स्टॉक में जिस वक्त हम 1445 के ऊपर क्लोज होंगे, मेरी सलाह होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी इसको डेफिनेटली अपने पोजीशंस में रख लें, क्योंकि 1445 के ऊपर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो अगले 7 से 8 दिनों के लिए मुझे ये स्टॉक्स दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, उल्टास और बाटा। इंटरेस्टिंग, बाटा आपका बहुत बढ़िया कॉल है प्रशांत, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा डिस्कस काउंटर नहीं है, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, साइडवेज चला गया, तो इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। हमारे साथ अविनाश गोरखशकार भी जुड़ रहे हैं। अविनाश, ये तो बात हो गई इंफोसिस की और कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स की, लेकिन इस हफ्ते अदरवाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है ये अर्निंग्स के हिसाब से, क्योंकि बड़े बड़े इंडेक्स कंपोनेंट्स के नंबर्स आने, आरआईएल के हैं रिजल्ट्स फ्राइडे नाइट, आईसीआईसीआई बैंक के हैं, दोनों के चार्ट्स लेके आइए डॉक्टर साहब। आरआईएल करीब करीब 2200 रुपये का लो बना के 150 रुपये चला है, इसीलिए इंडेक्स भी 1000 पॉइंट चला, और आईसीआईसीआई बैंक बहुत मजबूत है इस समय डॉक्टर साहब। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स अगर आप लेके आए पिछले एक महीने के, तो आपको नजर आएगा आरआईएल एक महीने का लेके आइए, ये देखिए एक महीने में करीब 150 रुपया तो आरआईएल चला है नीचे से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 6%, और आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी मजबूत रहा है, वो भी लेके आइए आईसीआईसीआई बैंक आपके स्क्रीन पे आते हुए। अविनाश, आप इन दोनों स्टॉक्स में देखिए करीब 65 रुपये चला है 7.5% एक महीने में, मजबूत स्टॉक्स हैं, बाजार की उम्मीदें क्या हैं, आप किससे बेट करना चाहेंगे, एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपको दोनों में से क्या अट्रैक्टिव लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग अजय, देखिए मुझे दोनों में से अगर चॉइस बताया जाए तो मैं आईसीआईसीआई बैंक को बेट करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे एचडीएफसी बैंक के आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग एक सुपर साइकिल में है। एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक की बात करें, प्लस जो क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री में दिख रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कम से कम 13-14% का हमारा अनुमान है कि अगले साल भी क्रेडिट ग्रोथ उस रेंज में रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आईसीआईसीआई बैंक के सारे बिजनेसेस आर यू नो फ्लाइंग वेरी वेल। इनफैक्ट इनका कोर बैंकिंग बिजनेस भी बढ़ रहा है, रिटेल बुक भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, और प्लस उनके जो सब्सिडरीज है जैसे कि इंश्योरेंस की बात करें, एसेट मैनेजमेंट की बात करें, यू नो बेसिकली सब्सिडरीज की वैल्यू ऐड करके हमको लग रहा है कि 1050-1100 का टारगेट प्राइस आपको आईसीआईसीआई बैंक इस लेवल से मिल सकता है। तो ये बहुत ही यू नो स्टेबल काउंटर है, और नतीजे जो आएंगे मेरे ख्याल से मार्केट्स को बड़ी मात्रा में सरप्राइज करेंगे, प्लस जो कमेंट्री आएगी वो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग रहने की अपेक्षा है। तो इवन एट दीज लेवल्स अजय, मुझे लग रहा है कि अच्छा शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म व्यू यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। रिलायंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस में नंबर्स शायद इतने ठीक ठाक नहीं आए, बट उनका जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ट्रिगर है वो मार्केट अभी कीनली अवेट कर रहा है, वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो डेफिनेटली आपको रिलायंस के शेयर में भी थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिलेगी। तो चलिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, तीनों कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते बड़े नतीजे, ये यानी कि निफ्टी के कंपोनेंट्स के 20% नंबर्स जो हैं वो इस हफ्ते आने वाले हैं, इसमें बड़े नाम रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक शामिल, दोनों में से पिक करेंगे अविनाश जी आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की दशा दिशा और सूरत इस वक्त अच्छी नजर आ रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हो, बैंक्स फाइनेंशियल्स और आईटी के अलावा और कहां रखनी चाहिए नजर, खबरें कौन सी हैं, त्रिमूर्ति शेयर में क्या है खास, और त्रिमूर्ति शेयर में ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स पर खास फोकस है आज के सेगमेंट में। शरद हमें बता रहे हैं शेयर्स और उनसे जुड़ी हुई खबर, शरद आप बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि मैनेजमेंट चेंजेस देखने मिल रही है, एक रीकास्ट हो रही है उनके ऑटोमोटिव बिजनेस को लेके, और एक नया पद बनाया गया है सीईओ पोजीशन ऑटोमोटिव बिजनेस के लिए, और ये जो सेगमेंट है फोकस करने वाले उनके आईस सेगमेंट में, जहाँ पे एसयूवीज पे फोकस रहने वाला है, और इसके अलावा एक नई काउंसिल भी बनी है उनकी ई व्हीकल्स की यूनिट को लेके। अगर बात करी जाए तो अपॉइंटमेंट्स में नैली कलकुंडका जी को जो सीईओ बनाया गया है ऑटोमोटिव बिजनेस में, और कौशल्या नंद कुमार को सीईओ नियुक्त किया गया है उनके इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल बिजनेस को लेके। दूसरा स्टॉक फोकस में का जी एंटरप्राइज, और यहाँ पे ओपेनहाइमर जो है अपनी पूरी 5.65% स्टेक को जो है आज एग्जिट कर सकती है वाया ब्लॉक डील्स, आज मार्केट में सेल हो सकता है। लगभग जो प्राइस रेंज रखा गया है लगभग आप कह सकते हैं 200 से लेके 208 रुपये प्रति शेयर
शेयर पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट 4% डिस्काउंट आपको करंट मार्केट प्राइसेस में देखने मिल सकता है इस प्राइस रेंज में। और इसके अलावा जो ऑफर साइज़ है लगभग 1130 करोड़ रुपए का है। तीसरा स्टॉक फोकस में कौन रहेगा, वो रहेगा लूमैक्स इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हुई है, विष्णु जौहरी को अपॉइंट किया गया है CEO के जैसे, और वो जो है एक्स CEO रह चुके हैं मदरसन ग्रुप कंपनी में, जो आप कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीकन मार्केट्स में जो है प्रेवलेंट रहे हैं। और इसके अलावा वो एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं लाइटिंग बिजनेस में, ऊनो मिंडा ग्रुप के, जो भारत के आम है उसको लेके। तो एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंजेस देखने मिल रही है आपको ऑटो स्पेस में। राइट, ठीक है, बिल्कुल। ल्यूमैक्स और M&M दोनों इनको डिस्कस भी करेंगे मैनेजमेंट चेंज के चलते क्या क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, पर जी एंटरप्राइज इसे भी आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले एक बार वमाक्षी से आज के सारे ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट सारी लिस्ट उन्होंने कंपाइल की है, फिर डिस्कस करते हैं। बताए वमाक्षी जी। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम APL अपोलो ट्यूब्स के साथ। इक्विटस का मानना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ लेवर्स पर कंपनी काफ़ी वेल प्लेस्ड है कैपिटलाइज करने के लिए। रैपिड शिफ्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एड करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी अप ट्रेंड पर नजर आ सकती है। और इसी के चलते इक्विटस ने कवरेज शुरू की है लॉन्ग कॉल के साथ, लक्ष्य दिया है 1413 प्रति शेयर का। डिलीवरी अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। इन्वेस्टेक का मानना है कि काफ़ी कंपेलिंग कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की टूवर्ड्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिलीवरी FY24 में EBITDA पॉजिटिव भी हो सकता है। और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है, लक्ष्य दिया है 415 प्रति शेयर का। बेक्टर्स फूड भी हमारे रेडार पर है। इक्विटस का मानना है कि उनका जो बिस्किट बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेड इनिशिएटिव्स और प्रीमियमाइजेशन के चलते अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। बेकरी बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और इनफैक्ट वो मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है लॉन्ग कॉल के साथ। टारगेट प्राइस दिया है 705 प्रति शेयर का। 361 WAM इन्वेस्टर के रेडार पर है। उनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट वो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक के साथ। उन्हें इनका मॉडल पसंद आता है क्योंकि ये जो की रिस्क है वो मिटिकेट करता है और इनफैक्ट AUM 20%, रेवेन्यू 17% और पैट करीब 20% के कैगर से ग्रो हो सकता है FY23 से लेकर FY26 तक। और इसी के चलते खरीदारी की राय के साथ उन्होंने कवरेज शुरू की है, लक्ष्य दिया है 675 प्रति शेयर का। ONGC अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इसके अर्निंग्स और भी प्रेडिक्टेबल हो गए हैं और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सस्टेनेबल 12% डिविडेंड यील्ड, प्रोडक्शन ग्रोथ और इम्प्रूव कैपिटल एलोकेशन के चलते मल्टी ईयर डी रेटिंग में स्टॉक में रुक सकती है। और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय दी है ONGC पर, लक्ष्य दिया है 218 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे आयशो मोटर्स पर। कोटक का मानना है कि रॉयल एनफील्ड पोर्टफोलियो के लिए जो डिमांड ट्रेंड है की स्टेट्स में अभी भी थोड़ी वीक नजर आ रही है, कंपेटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है सारे ही सेगमेंट्स में अगले कुछ साल में। और इसी के चलते कोटक ने अपनी बिकवाली की राय बरकरार रखी है आयशो मोटर्स पर, लक्ष्य दिया है 2800 प्रति शेयर का। वामाक्षी बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारे ब्रोकरेजेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है हमारे बात करना HDFC बैंक के नतीजे अनुमान के बराबर आए हैं। अनुमान ही बहुत ज़्यादा एलिवेटेड था, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एक एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन के सामने उन्होंने मीट्स द एक्सपेक्टेशन लगाया। तो कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ द मार्केट को ये लग सकता है कि साहब बहुत धमाका नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए कि जिस बेस पे ये परफॉर्मेंस आई है वो कैसी है। और दूसरी बात यह कि स्टॉक ऑलरेडी 52-week हाई पे है, मजबूत ट्रेंड में है, तो आज कैसा रिएक्ट करेगा, क्या करना चाहिए। और यही नहीं, इसके नतीजे और रिएक्शन की का इम्पैक्ट ICICI बैंक पे भी पड़ेगा, उसका भी रिजल्ट इस हफ्ते ही है। हमारे साथ शेर खान के एनालिस्ट जुड़ रहे हैं बात करने के लिए इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए राहुल मलानी जुड़ रहे हैं। राहुल, सबसे पहले ये बताएं कि HDFC बैंक का ये मामला क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं साहब मज़ा नहीं आया, लेकिन एनालिस्ट ने अपने एस्टिमेट्स इतने मजबूत बना रखे तो उनको तो मीट किया है, तो दिक्कत क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। ओवरऑल अगर देखेंगे रिजल्ट्स तो मार्जिनल मिस था एक्सपेक्टेशन से, बट इन टर्म्स ऑफ आप जब रिटर्न रेशियो की बात करें तो उस लिहाज से बात करें तो HDFC बैंक ने फिर भी ROA के टर्म्स में, रिटर्न ऑन एसेट्स के टर्म्स में फिर भी 2% के आसपास रिपोर्ट किया है ROA। तो ओवरऑल नतीजे हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से इनलाइन थे, पर ओवरऑल कंसेंसस के हिसाब से थोड़ा मिस था क्योंकि ओपेक्स ग्रोथ हायर था। क्योंकि इवेंचुअली अगर ब्रांच एक्सपांशन देखें आप, एम्प्लॉय एडिशन देखें, ओवरऑल उनके रिटेल बिजनेस वॉल्यूम्स पिकअप होते दिख रहे हैं, तो दैट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। तो मजबूत है नंबर्स, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा।
आईसीआईसीआई बैंक में क्या करना चाहिए, क्या व्यू है आपका इस हफ्ते रिजल्ट आप देखते हैं उसको? ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक के लिए हम पॉजिटिव है, हमारा टॉपिक में है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड ओवरऑल एचडीएफसी बैंक। बैंक नतीजे अच्छे पोस्ट करेगी, बट जैसे कि हमने देखा था कि हमने ये देखा है कि FY23 में एचडीएफसी बैंक और एक फेडरल बैंक था जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन उनका एसेट ग्रोथ से हायर है, तो एक रिटेल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन विल बी द इम्पोर्टेंट फैक्टर आईसीआईसीआई बैंक के केस में, क्योंकि उनका जो लोन डिपॉजिट रेशियो है वो हायर एंड पे ट्रेड कर रहा है। सो वो लोन को सस्टेन, लोन ग्रोथ को 19-20% लोन ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए रिटेल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी उस वो आउटपेस करना चाहिए लोन ग्रोथ को। बहुत शुक्रिया राहुल, आपसे वापस मुलाकात होगी आईसीआईसीआई बैंक के बाद। प्रियंका, आपको पता है ये जो कमेंट्री आई है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बाद, उसमें मैं तो राहुल से एकदम मानता हूँ मैं कि स्टॉक अगर गिरे, मामूली गिरेगा, अगर गिरेगा तो, वरना कुछ खास नहीं। एक्चुअली हर फ्रंट पे ग्रोथ थी। हाँ, मतलब कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। रिटेल ग्रोथ तो बहुत ही शानदार थी। अगर आप डे टू डे 20 रुपए ऊपर नीचे वाले ट्रेडर हैं तो अलग बात है, वरना नतीजों में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कॉमेंट्री में एक बहुत खास बात थी जो मुझे नजर आई, शायद लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे और बताना जरूरी है कि इनकी जो इतनी फार सुपीरियर डिपॉजिट ग्रोथ है इस बैंक की 20% प्लस, इंडस्ट्री की डिपॉजिट ग्रोथ 10% हो रही है, डबल ब्रांचेस ऐड कर लिए उन्होंने। उन्होंने ये बात कहा है कि जो ब्रांच एडिशन का रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ, वो इस साल भी उतना ही रहेगा पिछले साल। मतलब 1500 ब्रांच उन्होंने, 1475 लगभग, हाँ करेक्ट, हर एक मतलब हर दिन दो तीन ब्रांच खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ग्रोथ रेट ब्रांच एडिशन का जारी रहेगा। हाँ। ये जारी रहेगा तो डिपॉजिट बटोरना जारी रहेगा। करेक्ट, डिपॉजिट बटोरना जारी रहेगा तो कम, अब तो रेट भी पीक आउट हो गए। राइट, तो ज्यादा एचडीएफसी बैंक में ज्यादा नेगेटिव ना हो। हाँ। सारे दिशाएं जो है ये दिखा रही है कि बैंक इज ऑन अ स्ट्रांग फुटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो अब कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट त्रिमूर्ति शेयर में कई सारे स्टॉक्स जो शरद ने लिस्ट भी किए, उसमें एक स्टॉक जी भी है। जी को आप वॉच भी कर रहे थे अजय, इंटरेस्टिंगली इसमें एक स्टेक ऑफलोड होगा और आप कुछ डोमेस्टिक फंड्स भी चेक करना चाह रहे थे, कोई खास? देखिए मामला ये है कि हमें पता है कि जी में क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब जरा जी का आप ग्राफ लेके आइए, एक साल का, आपको पता है उसके अंदर ओनरशिप चेंज हुआ, आपको पता है उसके बाद छोटी छोटी मोटी पेनल्टी आई, फिर वो मामला रफा दफा हो गया, इंडसइंड बैंक ने छोटे से कुछ लोन की वजह से ट्रांजेक्शन रोकने का वो किया था, इतनी देर में उन्होंने वो पैसा वापस कर दिया, 30-40 करोड़ रुपए था, स्टॉक गिरा था लेकिन चला ही नहीं है, 25% उतर गया है। ये स्टॉक अब एमएनसी कंपनी बन जाएगी 6 महीने के अंदर। लोगों का व्यू नहीं है 6 महीने के बियॉन्ड आईसीआई अपना एसजी के ऊपर। आज ये ब्लॉक हो रहा है, फिर ये प्रेशर में आएगा स्टॉक। मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं अविनाश से डिस्कस करूंगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि तीन ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने जी दिसंबर क्वार्टर में ऐड किया है। yes. क्योंकि ये बड़ी एमसीज का व्यू 6-8 महीने के बियॉन्ड होता है, और किसने ऐड किया है मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा ये देख के। तीन ब्रोकरेज हाउसेज ने, कोटक ने, आदित्य बिरला और निपॉन, ये तीनों बड़ी एमसीज हैं जिसने जी एंटरटेनमेंट ऐड किया है। और भाव वही का वही है, आज ब्लॉक आएगा 4-5% नीचे होगा। अगर आपका व्यू 6-8 महीने के बियॉन्ड है तो क्या आपको देखना चाहिए, इस डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए? अविनाश आप क्या कहेंगे जी के बारे में? अजय मुझे लग रहा है कि देखिए जो भी नेगेटिव्स है वो स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो सोनी का जो यू नो मर्जर है जी एंटरटेनमेंट को लेके, मेरे ख्याल से वी आर एटलीस्ट यू नो 3-6 months अवे, लेकिन डेफिनेटली इस वैल्यू से मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए मीडिया स्पेस में एक्सपोजर लेना है तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का कंटेंट बैंक जी एंटरटेनमेंट का है, जिस प्रकार का ओटीटी एक्सपोजर है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं FY24 विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर एज कम्पेयर टू FY23। स्टॉक थोड़ा सा दबाव में जरूर रहेगा आज के ओपन हैमर के यू नो स्टेक सेल के बाद, बट डेफिनेटली अगर आपको लंबा नजरिया लेना है तो मेरे ख्याल से 190-200 ये एक बहुत अच्छा एक्युमुलेशन लेवल होना चाहिए जिसको अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना है। अगले 1.5-2 साल में आपको बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखने की पॉसिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अगर इकोनॉमी बढ़ती है, FMCG सेक्टर यू नो और थोड़ा सा वाइब्रेंट होता है तो कहीं ना कहीं मीडिया स्पेंड्स में बढ़ोतरी आएगी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे आपको ज्यादा कैपिटल खोने की कोई डर भी नहीं है। यहाँ से अपसाइड काफी सिग्निफिकेंट होगा, डाउनसाइड लिमिटेड है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा वैल्यू पिक कैन बी प्रूव्ड, प्रोवाइडेड टाइम फ्रेम कम से कम 12-18 महीने का है।
क्लियरली इस ब्लॉक का एक इम्पैक्ट आज ऑन एन इंट्राडे बेसिस जरूर दिख सकता है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पर या फिर 6 महीने का या लंबी अवधि का नजरिया बनाकर चल रहे हैं उस डायरेक्शन में जी एंटरटेनमेंट को आपको इस वक्त सोचना चाहिए। ये राय, ये एडवाइस इस वक्त फंडामेंटल एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन ब्रोकरेजेस में भी काफी सारे इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस थे जो कि हमने सुने वामाक्षी से, और उसमें काफी हद तक एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज आ जाए पैकेज फूड सेगमेंट से जुड़ी कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड, और इसमें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है यहाँ पर टारगेट जो इक्वेरियस की इस रिपोर्ट में 705 के टारगेट से बताया। देखिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन ये स्टॉक साइलेंटली जो है वो बटर क्रीम वाले बिस्किट्स बना के अपने शेयर होल्डर्स को और ट्रेडर्स को खिला रहे हैं। जरा इसका 6 महीने का ग्राफ दिखाइए, इसके बाद हम ये प्रशांत के साथ डिस्कस करेंगे। और मैंने प्रियंका को बताया भी था, क्योंकि प्रियंका दिल्ली की हैं, कि मिसेस बेक्टर ने अग्रवाल बिस्किट्स वालों को कॉम्पिटिशन देना, वहाँ पर लोकल, ये सारा रीजनल गेम है। हाँ। अब मिसेस बेक्टर बन रही है नेशनल लेवल की कंपनी, और बिस्किट्स और कुकीज में आप ट्राई करिएगा, बहुत बड़ा काम चल रहा है। 350 पे हमने आपको बताया था कि इसका बिस्किट जो है मजेदार कर रहा है काम। 600 रुपए करवा दिया, आपको याद है कि नहीं? 350 से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं, अब 700 के टारगेट आने शुरू हैं। अजय, सबसे बड़ी बात है कि घर के आंगन से शुरुआत की थी, अब नेशनल लेवल पर पहुंच रहे हैं। ये नेशनल लेवल अभी तो बहुत बाकी है मिसेस बेक्टर। आप साउथ जाएं, वेस्ट जाएं, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर में मिलता ही नहीं है अभी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये काम नेशनल बनने के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और अब इक्विरिस कह रहा है कि 700 रुपए का टारगेट है, सब बिस्किट्स में बड़ा काम हो रहा है, तो ये मोमेंटम भी ठीक ठाक है और फंडामेंटल्स जगह पे गिर रहे हैं। प्रशांत, आपने मिसेस बेक्टर्स का चार्ट देखा, लेना चाहिए क्या इस भाव से या पुल बैक में? सबसे पहले तो बहुत अच्छा स्टॉक आपने चुना है, डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म बाय में काफी वर्क से मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। दूसरी बात, जो मानसी ने स्टेटमेंट कहा कि आंगन से शुरू किया है और यहाँ तक, बहुत अच्छा मुझे स्टेटमेंट लगा, कि हमेशा मैं कहता हूँ कि हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, बट द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम बहुत जरूरी होता है, और मुझे लग रहा है ये बहुत सही दिशा में जा रहा है। जहां तक अभी प्राइस वाइज हम बात करें तो हम 575 ऑलमोस्ट इस लेवल पे क्लोज में बने ही रहना चाहिए। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस जो हर स्टॉक को होना चाहिए वो आपको पोजिशनली रखना होगा करीबन 520-25 के जोन में क्लोजिंग बेसिस, बट ये स्टॉक जिस वक्त 650 को क्रॉस कर जाएगा मुझे लग रहा है ये एक मल्टी बैगर कैटेगरी में भी जा सकता है, तो हर डिप में बाय कीजिए। और एक जो मॉनेटरी स्टॉप लॉस हम कहते हैं वो 525-520 जोन को मान के चलिए, ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो। राइट, तो ये तो मिसेस बेक्टर फूड्स पर बात रही, कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी हैं जो हम त्रिमूर्ति शेयर में डिस्कस कर रहे थे, और वहाँ एक मैनेजमेंट चेंज, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ल्यूमिक्स इंडस्ट्रीज में भी हुआ है। जो नए सीईओ बने हैं वो पहले सीओओ थे, और इनफैक्ट बड़ा रोल उन्होंने ऊना मिंडा में भी किया है, तो कैसे देखते हैं आप ल्यूमिक्स को, इतना अच्छा चल भी रहा है? आपको पता है मेरा फेवरेट फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, हाँ, वो है स्टोरी टेलर चेंजेस। अब देखिए ल्यूमिक्स का मार्केट कैप है 2000 करोड़। डॉक्टर साहब, अगर आप लूमैक्स का एक साल का चार्ट दिखाएं, 2000 करोड़ का एम कैप है और ये एक साल में डबल हुआ है, ये देखिए ऑलमोस्ट 90% चला है, बहुत बढ़िया कंपनी है। आपको पता है ऑटो एंसरी में बाइंग है, करेक्ट, और ये जो है आप शायद पता नहीं बाइक्स वगैरह ट्रैक करती हैं नहीं, ये लाइटिंग डिवीजन में बाइक्स की और टू व्हीलर्स की, और काफ़ी अच्छी बाइक, स्टॉक एक साल में डबल हुआ है। यहाँ पे जो क्वालिटी के मैनेजमेंट आ रहे हैं सीईओ, ये ऊनो मिंडा बहुत बड़ी कंपनी है, मदरसन सुमी टॉप में 1,00,000 करोड़ की एम कैप हो गई थी, इतने बड़े लेवल के मैनेजमेंट अब यहाँ पे आ रहे हैं 2000 करोड़ की कंपनी में, तो कुछ बहुत ही सीरियस बेट ले रहे हैं ना भाई। करेक्ट, अगर आप TCS के सीईओ हैं और आप किसी छोटी कंपनी के सीईओ बन के जा रहे हैं रिलेटिवली, तो आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद से जा रहे हैं ना, या आप तो ये स्टॉक को आप जरूर ध्यान में रखें। ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ये क्या आके यहाँ पे चेंजेस करते हैं, आई थिंक एनालिस्ट कॉल करेंगे जल्दी और हम बाजार में बात, हम भी बात करेंगे कि इन्होंने मैसेजिंग क्या दी है लूमैक्स के शेयर होल्डर्स से, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, ये देखिए लास्ट 1 ईयर में डबल हुआ है। मितेश, आप जरा लूमैक्स के चार्ट देख के बताएंगे क्या ये यहाँ से भी लेना चाहिए? लूमैक्स ऑटो या लूमैक्स इंडस्ट्रीज? लूमैक्स इंडस्ट्रीज 1900 रुपए का भाव है। लूमैक्स इंडस्ट्रीज में अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखें, स्पेशली क्वार्टरली चार्ट, पिछले 5 क्वार्टर से हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन है। बहुत ही बढ़िया आपने स्टॉक चुना है। अभी उसका जो 30th दिसंबर 2020 का जो हाई था वो 2020 का था, 2020 का, अभी स्टॉक अराउंड 1893 के ऊपर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड रिवर्सल है, और जैसे ही 2020 का ऊपरी स्तर वो क्रॉस करेगा, इमीडिएटली वो जो है स्टॉक
वो अपने ऑल टाइम हाई 2580 जो लगा था जून 2018 के क्वार्टर में वहां तक जाने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लुमैक्स इंडस्ट्री को करंट लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए। यानी इतने सर्च के बाद भी अब भी स्टॉक में बाइंग बनती है। अब हमारे साथ पैनल पर कुश बोरा भी है, उनसे भी समझते हैं कि वो आज के लिए क्या व्यू बना रहे हैं। कुश, आप डिप को बाय करेंगे अभी एसजेएक्स निफ्टी, हालांकि बहुत रेलेवेंस होती नहीं है इसकी, पर फिर भी आज व्यू क्या बन रहा है इंडेक्स पे? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। व्यू इन यू नो वेरी सिंपल यू नो वर्ड्स इज बाय ऑन डिप्स, बट आज का दिन मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। इसका रीजन बहुत सिंपल है, कुछ की रिजल्ट्स आए हैं, कुछ की इवेंट्स हैं, और मैं एक बार के लिए अगर इन सारे इवेंट्स को और इन सारे पॉइंट्स को भी यू नो जस्ट कीप देम असाइड, तो भी देखिए यू नो 9 सेशन से मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज दे रहा है, अब डिप इज अराउंड द कॉर्नर, तो यू नो इवन फॉर दिस टेक्निकल रीजंस देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट में एक डिप आ सकता है जो सस्टेन्ड रह सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। सपोर्ट जोन जो है 17700 17650 के आसपास, इसके आसपास अगर आपको निफ्टी मिले तो डेफिनेटली बाय करके चलिए। बैंक निफ्टी डेफिनेटली ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग, 42,000 41,800 जो इसके सपोर्ट जोन है, इसके आसपास आपको मिले तो बाय करके चले। तो बाय ऑन डिप्स रहेगा बट स्लाइटली ऑन अ पोजिशनल बेसिस, not on you know intraday basis. Aaj ka din main thoda wait and watch karna chahunga just to see how the market is reacting to you know the numbers of you know some of the biggies and you know how it's reacting after 9 days of straight gains. Buy on dips ki ranneeti zarur hai, lekin watch list mein rakhna chahenge index ko is waqt kush. Trading ideas kya honge, khareedari ki calls trading ideas mein hogi aapki taraf se? Kush, good morning. Good morning Mansi. Dekhiye do stocks hain, दोनों ही बाई साइड के हैं। पहला है नवीन फ्लोरीन, अगेन ये स्पेस यू नो हम भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, द मार्केट हैज बीन यू नो रिवॉर्डिंग एंड द स्टॉक्स हैव आल्सो बीन रिवॉर्डिंग। 4600 ये मेरा टारगेट है, इनफैक्ट ये मेरा पहला ट्रेडिंग टारगेट है। 4490 इस स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हैं, इसके स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। दूसरा जो मेरा पिक है दैट इज एलेकॉन इंजीनियरिंग, इस स्टॉक में भी हमने अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देखा है, ये भी कंटिन्यू रह सकता है। 440 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी है इसके ऊपर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 475 तक के लेवल्स आ सकते हैं। 440 अब इसके लिए सपोर्ट एक्ट करेगा। वन क्विक वर्ड ऑन द आईटी स्पेस, आई थिंक वेडनेसडे को जब मैं क्लोजिंग यू नो शो में आया था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तब हमने यही डिस्कस किया था कि जो सेटअप्स बन रहे हैं फिलहाल और जिस तरीके का नैस्टेक में हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू एंटर दीज यू नो स्टॉक्स राइट नाउ। एंड यू नो इंसिडेंटली जो TCS और Infosys के नंबर्स आए हैं, दे हैव जस्ट प्रूवन दैट पॉइंट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। आईटी स्पेस में हो सकता है थोड़ा सा आपको यू नो और डिप मिले अगर आप एक अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हो तो। सो दैट्स जस्ट अ स्पेशल नोट ऑन यू नो द आईटी स्पेस। ओके ऑलराइट, तो चलिए ये खरीदारी की दो कॉल्स खुश की तरफ से आती हुई, लेकिन एक और स्टॉक जो कि त्रिमूर्ति सेगमेंट में शायद हमें बताकर गए हैं वो है टाटा मोटर्स, और इस स्टॉक को डिस्कस करना चाहिए क्योंकि 1 मई से टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों के दाम, पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्ट्स के दाम जो है फिर से बढ़ाने जा रही है। 0.6% की बढ़ोतरी का अनुमान है, और आपको बता दें कि तीसरी दफा 2023 में गाड़ियों के दामों में बढ़ोतरी टाटा मोटर्स ने की है। अविनाश जी, टाटा मोटर्स के लिए अगर देखें, ब्रोकरेजेस का भी ये मानना है कि डिमांड ऑफ कोर्स स्ट्रांग है, इंटैक्ट है, JLR से सॉलिड रैंप अप आ रहा है, और साथ ही वॉल्यूम्स भी काफी हद तक मजबूत नजर आते हैं। कैसे देखा जाए स्पेस को, ऑटोमोबाइल एंड इन पर्टिकुलर टाटा मोटर्स? मानसी, मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा मोटर्स में जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, जैसा कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार का ट्रेंड है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है जो दिसंबर क्वार्टर से हमने देखा है कि JLR का वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग है, और JLR सभी को पता है कि टाटा मोटर्स का मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करता है। तो मेरे ख्याल से JLR अगर अच्छी तरह से वॉल्यूम ग्रोथ रिकॉर्ड करता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक रीरेट होने के लिए तैयार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ये सबसे बड़े प्लेयर है, और दूसरी बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी यू नो कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ का अनुमान है, 25-30% ग्रोथ इस साल आने की उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि सारे प्रोडक्ट सेगमेंट्स अच्छी तरह से कर रहे हैं। मार्केट क्लोजली वॉच करेगी कि कितना फ्री कैश फ्लो इस क्वार्टर में कंपनी जनरेट करती है, प्लस यू नो जो कर्जा बैलेंस शीट पे है वो किस प्रकार से कम होता है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा कर्जा कम होने का ट्रेंड शुरू होता है तो आपको ये स्टॉक में रीरेटिंग बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप मारुति या यू नो महिंद्रा को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में महिंद्रा टाटा मोटर्स की एक ही दिक्कत है कि वो थोड़ी सी हाईली लिवरेज्ड है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से एक बार क्लियर होता है तो आपको बहुत अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। बट इवन एट द करंट लेवल अगर किसी को यू नो 12-15 महीने का व्यू लेके काम करना है तो कोई भी गिरावट में टाटा मोटर्स को खरीदना चाहिए। ओके ऑलराइट, ठीक है। सो ये तो टाटा मोटर्स पर।
लगातार बड़ी बातें आ रही है, बिल्कुल ये जो JLR के लिए उनकी जो डेट फ्री होने की और कैश फ्लो लगातार जो हर क्वार्टर में निकल कर आया है, वो एक बड़ा ट्रिगर जरूर है जो बाजार अब रियलिस्टिक देख रहा है कि बाजार कंपनी अपने नेट डेट फ्री होने के टारगेट को जल्दी मीट करेगी। लेकिन आज का मुनाफे का फंडा कौन से स्टॉक्स हैं, आज हमारे साथ राहुल चाय हैं, उनसे बात करते हैं। माफ कीजिए, रोहन मेहता है हमारे साथ आज। रोहन, मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? या गुड मॉर्निंग, मेरे पास तो बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेसेस है। एक है BLS इंटरनेशनल, जो मेरा टारगेट प्राइस है 250 रुपीस। BLS इंटरनेशनल एक बहुत अमेजिंग कंपनी है जो वर्ल्ड में जहां पे भी आप जाओ नियरली अबाउट 85 कंट्रीज के वीजा वो प्रोवाइड करती है, प्लस एडिशनल सर्विसेज जिसको हम वॉलेट एडिशंस कहते हैं, प्लस रिसेंटली थाईलैंड का वीजा उसको मिल गया है, यूरोप में इटली का एक्सपेक्टेशन है कि मिल जाएगा, और वहाँ पे सिर्फ 3 प्लेयर्स ही है जो वर्ल्ड में प्ले करते हैं वीजा सर्विसेज के लिए। और वहाँ पे BLS इंटरनेशनल लास्ट 2-3 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट कंपनी आ रही है। एक बहुत प्राइड भी है अपने इंडियन कंपनी को लेके कि एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो बहुत छोटी कंपनी थी, वहाँ से एक बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, नियरली अबाउट 160 करोड़ का प्रॉफिट करती है। और एक बिजनेस ऐसा है कि जो नेगेटिव कैश कन्वर्जेशन साइकिल पे है, जो पहले कैश पैसा लेती है फिर गवर्नमेंट को पैसा देती है, और एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मंदी आने की संभावना सिर्फ कोरोना जैसी पॉइंट पे ही आ सकती है, बिकॉज पीपल आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, पीपल वांट टू ट्रैवल मोर एंड मोर, और सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग एक बकेट लिस्ट में सबका होता है। सो 163 करोड़ का प्रॉफिट करती है, वी आर एक्सपेक्टिंग 250 करोड़ बाय नेक्स्ट 1-2 इयर्स। तो वहां पे हमारा टारगेट है कि 250 रुपीस BLS इंटरनेशनल आ सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करना हो तो कौन सी कंपनी में कर सकते हैं। ऑनेस्टली इंडिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो प्रॉफिटेबिलिटी पे है, नेट डेट जीरो है, और एक्सेप्शनली मोनोपोली मोनोपोली मजा उठाती है। तो दैट इज वेयर द BLS इंटरनेशनल कम्स इनटू पिक्चर। रिसेंटली निफ्टी 500 को लिया गया है, इसमें निफ्टी 500 में आ गई है कंपनी, सो दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। सेकंड इज एक्सिस बैंक। सी अगेन, एक्सिस बैंक इज माय टॉप पिक ऑलवेज बिकॉज ऑफ 1200, टारगेट इज 1200 रुपीज फॉर ईयर। उसका रीजन यह है कि 2.2 टाइम्स पे बुक प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, जहाँ पे एवरेज आपका प्राइवेट रिटेल बैंक्स आर अवेलेबल एट समवेयर अराउंड 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ कर रही है, नया मैनेजमेंट आ रहा है, और बहुत सारी चीज ऐसी हो रही है जो प्रॉब्लम लास्ट 3-4 साल से था वो सब प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। वी आर एक्सपेक्टिंग नियरली ओवर 30-35% प्रॉफिट ग्रोथ इन दिस क्वार्टर। और ये बैंक ऐसी है कि जो आपने देखा होगा कि मंदी में भी बहुत स्ट्रांग रही है और तेजी में भी तुरंत ही इट इज सीइंग अपवर्ड मोमेंटम। सो ये ऐसी चीज में हो सकती है जहाँ पे स्ट्रांग फिजिबिलिटी ऑफ बाइंग इंटरेस्ट रहता है। और ये बैंक ऐसी है जहाँ पे जो ICICI बैंक तकरीबन 300-400 रुपए पे जो टर्नअराउंड स्टोरी थी, वही टर्नअराउंड स्टोरी एक्सिस बैंक में लग रही है। सो टारगेट ऑफ 1200 रुपीस। डिस्क्लेमर, बोथ ऑफ द स्टॉक्स वी आर इन्वेस्टेड इनटू, हमारा फंड और हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों स्टॉक में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहन ये स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। बैंक की बात करें तो एक और स्टॉक फ्राइडे एक्शन में था। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि याद नहीं आ रहा मुझे लास्ट AU फाइनेंस में 17-18% का अपमूव कब देखने को मिला था। डायरेक्टर साहब लेके आइए 17% के बाद। और हुआ क्या वहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, संजय अग्रवाल जी को एक्सटेंशन मिला है 3 साल का। ये बताना जरूरी है कि बाजार क्या उम्मीद करके बैठा था। जब से इंडसइंड बैंक में जो मैनेजमेंट हैं उनको, कठपुतलिया जी को 2 साल का एक्सटेंशन मिला, बाजार को ये डर था या तो एक साल का एक्सटेंशन आएगा या 2 का, लेकिन आया 3 का। तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था और 17% ऊपर बंद हुआ। आज इसमें फॉलो अप बाइंग या इस हफ्ते इसमें फॉलो अप बाइंग आ सकती है क्या? तो पॉसिबल है, आ सकती है, क्योंकि एक साल का ग्राफ देखिए, एक साल से बैंक इंडेक्स कहाँ की कहाँ चली गई, प्राइवेट बैंक्स कहाँ के कहाँ चले गए, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साल में भी अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मितेश, AU स्मॉल फाइनेंस का जरा चार्ट देखिए, बताएं एंट्री करें, अगर होल्ड कर रहे हैं तो क्या करें, किस लेवल में प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
फ्राइडे के क्लोजिंग शो में ये डिस्कस हुआ था, क्योंकि एक दिन में ही 17-18% का अपमूव था। तो हुआ क्या है कि क्वार्टरली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस जो जनवरी महीने से था 663 का, वो क्रॉस कर दिया है स्टॉक्स ने। तो अजय जी, अभी देखना ये होगा, जैसे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बार बना है विथ वॉल्यूम, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड वो आता है कि नहीं, क्योंकि हाई प्राइस से हाई लगाया था 689.90 का, क्लोज हुआ है 679 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यही देखना होगा कि अगले एक या दो दिन में यहाँ पे ये जो स्टॉक्स जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें सस्टेनेबल बाइंग आती है कि नहीं, और हमारी नज़रें यहीं पे होगी कि उसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम कितना आ रहा है अगले दो या तीन दिन में। तो बहुत चांसेस, ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं जब 17-18 पॉइंट का मूव आए तो दो तीन दिन में 7-8% का एक करेक्शन आता है और उसके बाद जो है वो ट्रेंड रिज्यूम होता है। तो हमारे हिसाब से वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 2-3 डेज, अगर फॉलो अप बाइंग आती है और प्राइस सस्टेनेबिलिटी रहती है तो ही ये काउंटर को खरीदना चाहिए, वरना ये करंट प्राइस से आपको आराम से 7-8% नीचे मिलेगा। तो वेट एंड वॉच, अगर अगले दो या तीन दिन में सस्टेनेबल अपमूव आता है, सस्टेनेबिलिटी प्राइस के बेसिस के ऊपर रहती है, क्लोजिंग के प्राइस के इर्द गिर्द ही अगर दो या तीन दिन में क्लोज आता है तभी जाके हमको इसको खरीदना चाहिए। ये रहा आपको ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लेकिन मैनेजमेंट से जुड़ी ये खबर है जिसके चलते आपको ज़रूर इस स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट को इंटैक्ट रखा गया है, विच इटसेल्फ डिक्लेयर्स अ स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बात अगर कर रहे हैं हम, जहां IT सेक्टर की बात करें, डिफेंस उसको भी एक बार टच बेस करते हैं। और इस बीच रुपया भी खुला है, करीब 4 पैसे कमज़ोर, रुपये की ओपनिंग होती हुई 81.85 रुपये पर हुई है, 81.89 से 81.85 पर रुपये की 4 पैसे कमजोरी के साथ इस वक्त शुरुआत होती हुई। Zydus Life और Max Health, कुछ आपसे दोनों स्टॉक्स पर राय जानना चाहेंगे, क्योंकि Zydus Life में हम देख रहे हैं कंपनी की एक दवाई को, कंपनी के एक इंजेक्शन को USFDA से अप्रूवल मिला है, इस वक्त प्री ओपन में करीब 0.5% की तेजी भी नजर आ रही है। और Max Health Care ने भी यहां पर एक एडिशनल 34% स्टेक खरीदा है हेल्थ केयर कंपनी में, करीब 70 करोड़ के लागत, 70 करोड़ के लेवल्स पर। तो क्लियरली Zydus Life में भी करीब 0.5% की तेजी, और Max Health Care में भी 1-1.5% के अपमूव है। डिफेंसिव में हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लगातार फोकस में है, कुछ राय क्या होगी? मानसी, देखिए दोनों स्टॉक्स में अगर मुझे रेट और रैंक करना हो तो मैं फिलहाल Zydus Life Sciences को थोड़ा सा ज्यादा यू नो हायर रैंक करूंगा, बिकॉज इसकी जो अपमूव है ये स्टेडी सी यू नो अपमूव रही है। आप देखिए यू नो पिछले नवंबर से जो शुरू हुआ था अपमूव, फॉर द मोस्ट पार्ट इसने अपने 20-day मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया और एक स्टेडी यू नो राइज हम देख रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो यू नो बट 390-400 के लेवल से स्टॉक अभी यू नो 500 के लेवल के आसपास चल रहा है, अच्छा स्टेडी राइज है। अभी भी ओवरहीटिंग के संकेत इसमें नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा क्लोज है बट अभी भी देयर इज लॉट ऑफ रूम ऑन द अपसाइड। सो मेरे हिसाब से Zydus Life Sciences बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टेडी एंड कंसिस्टेंट मूव विल रैंक स्लाइटली हायर। यहाँ पे आप 525 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग डेज, और 490 ये जो लेवल है ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। जो दूसरा स्टॉक हमने आपने डिस्कस किया विच इज Max Health, ये स्टॉक एक बहुत ही यू नो रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड द रेंज वाज 460-465 to 420। इस रेंज का ब्रेकआउट हमें मिला है ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया था। सो मेरे हिसाब से Max Health में थोड़ा सा वेट कर लें, अगर ये कहीं आपको 460 के करीब फिर मिलता है तब आपके लिए अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, बट अदरवाइज Zydus Life Sciences सीम्स टू बी मच स्ट्रॉन्गर ऑन द चार्ट्स। ऑलराइट, ठीक है, एक रीकैप पूजा के साथ डिस्कस कर लेते हैं आज के सारे एक्शन स्टॉक्स, फिर कुछ और स्टॉक्स हुए जिनके आज नंबर्स आने हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे प्रशांत के साथ। पूजा बताएं कौन से स्टॉक्स हैं। जी महिंद्रा, महिंद्रा से पहले शुरुआत करते हैं, ईटी के हवाले से खबर आ रही है कि कंपनी ने अपने टॉप मैनेजमेंट में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, ऑटोमोटिव बिजनेस के लिए नलिकंठ गोलागुंटा को अपॉइंट किया है, और इसके अलावा महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल के लिए कौशल्या नंदकुमार CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और कंपनी का फोकस अब यहाँ से आइस SUV ऑपरेशन पर रहेगा, तो इस पर आप नजर रखिए। जी एंटरप्राइजेस में एक ब्लॉक डील होने की संभावना है, ओपेनहाइमर ब्लॉक डील के जरिए 5.65% हिस्सेदारी बेचेगा, पूरी तरह से एग्जिट कर लेगा, और 4% डिस्काउंट पर यह प्राइस तय किया गया है। तो अब से कुछ ही देर में इसका रिएक्शन हम जी एंटरटेनमेंट में भी देखेंगे। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, विष्णु जौहरी CEO बने, पहले ये मदरसन ग्रुप कंपनी के CEO थे, और यूनोम इंडिया में भी लाइटिंग बिजनेस के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इस कंपनी पर भी नजर रखिए, कुछ बड़े मैनेजमेंट बदलाव हुए यहाँ पर। PCBL भी फोकस में रहेगा,
करीब 63,000 मेट्रिक टन के ग्रीनफील्ड प्लांट में कमर्शियल उत्पादन कंपनी शुरू करेगी, और इसके अलावा कुछ और भी स्मॉल कैप कंपनीज आज फोकस में रह सकती हैं। सारदा एनर्जी पर नजर रखिए, आयरन और माइंस में ऑपरेशन रोकने का जो आदेश सरकार ने लिया था अब उसको वापस ले लिया है, तो उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आज कंपनी में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स जिन पर आपको नजर रखनी है, ये एक्शन स्टॉक्स में आज कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से नंबर्स आने हैं। एंजल ब्रोकिंग, जैसे जस्ट डायल को अभी मिथेश भी डिस्कस कर रहे थे, एंजल ब्रोकिंग को एक बार डिस्कस करते हैं प्रशांत के साथ। प्रशांत, अब तक जो, क्योंकि इन ब्रोकिंग हाउसेस के लिए बात इस तरह की है, कई सारी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी हैं कि वर्स्ट क्वार्टर हो सकता है पोस्ट द कोविड। कोविड में हमने इनफैक्ट एक अच्छा खासा शुगर रश देखा सारी ब्रोकिंग फर्म्स के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ड्राई अप हो रहे हैं और साथ ही कई सारे सेबी के रूल्स इम्पोज हुए हैं, तो शायद एंजल वन नंबर्स पर उस तरह डिलीवर ना कर पाए, म्यूटेड क्वार्टर दिख सकता है। कुछ से समझते हैं। कुछ, आपका तो बहुत फेवरेट ये स्टॉक था प्रशांत, हमारे साथ अभी नहीं है, और आई थिंक आपने तो इसे 2000 तक के लेवल्स पर भी देखा, लेकिन अब क्या थोड़ा सा नंबर्स पर अगर प्रेशर आने की बात हो रही है, शॉर्ट के मौके ढूंढने चाहिए, चार्ट पर क्या वीकनेस दिख रही है? सो प्रियंका, आई थिंक वो एक फेज था जहां पे काफी अच्छा स्टॉक में मूव आया, 2000 के लेवल्स तक गया था, बट आप देखिए उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें तो यू नो एक लोअर हाइस का पैटर्न बना रहा है। हालांकि अगर मैं इसका बहुत रीसेंट मूव देखूं, विच इज फ्रॉम यू नो द 1st of March, तो एक स्टेडी अप ट्रेंड में है, बट कहीं एक ब्रेकअवे या ब्रेकआउट रैली नहीं देखने मिली है, और अब ये अपने जो यू नो सप्लाई जोन है, जो रेजिस्टेंस बैंड है, उसके काफी करीब आ गया है, विच इज फ्रॉम 1270 टू 1330 का जो जोन है इसके आसपास, तो अच्छा खासा एक अपसाइड स्टॉक ऑलरेडी देख चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज इट्स नाउ कम वेरी क्लोज टू इट्स रेजिस्टेंस। एनी अदर बिग मूव दैट यू नो विल कम इनटू द स्टॉक विल बी आफ्टर इट क्रॉसेस 1340 1350 काइंड ऑफ लेवल्स। मेरे हिसाब से यहाँ पे जरा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना विल बी अ मच यू नो वाइजर डिसीजन। तो फ्रेश एंट्री ना लें, प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो 1240 के यू नो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें। तो चलिए, ये राय आपको एंजल वन पर मिली है, और एंजल वन के नतीजे भी हैं आज, तो क्लियरली इस पर नजर रहेगी। अब प्री ओपन में 2% के अप मूव्स। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, मितेश इस पर अपनी राय दीजिए, लगातार केपिक्स अनाउंसमेंट कंपनी कर रही है लेकिन स्टॉक में उसका एक इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने FY24 के लिए करीब 697 करोड़ के केपिक्स यानी कि कारोबार विस्तार की अनाउंसमेंट की है। टेक्निकली चार्ट कैसे नजर आते हैं मानसी जी? टेक्निकली चार्ज जो है वीआरएल लॉजिस्टिक्स के वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। रीजन बीइंग इज दिस दैट कि 23 मार्च से जो कंसोलिडेशन चल रहा था पिछले दो दिनों में, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। जो कंसोलिडेशन 23 मार्च से चल रहा था उसका जो हाई था वो 658.50 का था। पिछले दिनों के सत्र में मतलब 12 अप्रैल को ये ब्रेकआउट मिला है हमको, और 661.40 के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। कल हल्की सी एक गिरावट हमको देखने के लिए मिली थी, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है। और नोटिसेबल चीज़ ये है कि पिछले 2 या 3 दिन से जो मूवमेंट है वो विथ वॉल्यूम आ रहा है, मतलब जो ब्रेकआउट था 12 अप्रैल का वो विथ वॉल्यूम था, और जो कल का जो ब्रेकडाउन था वो विदाउट वॉल्यूम था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्राइस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। मेरे हिसाब से जो स्टॉक है उसका जो ऑल टाइम हाई है 720 वो बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा। अगले 1 से 3 महीने में 720 क्रॉस होके स्टॉक जो है वो 780 और 820 के बीच में ट्रेड हो रहा है। वीकली और डेली चार्ट जो सेटअप है वो बहुत, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वीआरएल लॉजिस्टिक्स को आप करंट लेवल्स पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आगे आज 10 बजे हमारे साथ अजय श्रीवास्तव भी होंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो दो बिगीज के अभी तक नंबर आए आईटी में, इंफोसिस टीसीएस के और एचडीएफसी बैंक के, उसके बाद वो व्यू क्या बना रहे हैं सेक्टर्स पर और साथ ही Q4 अर्निंग्स पर। ठीक है, ये तो आप आगे 10 बजे देखेंगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जिनके ब्रेकआउट पैटर्न्स दिख रहे हैं उसमें से हमने AU स्मॉल फाइनेंस को तो डिस्कस किया, लेकिन कुछ हमने देखा कि फैक्ट में भी अच्छी खासी मूव थी, लगभग 30-35% चल चुका है स्टॉक, लेकिन अब भी इसके जो पैटर्न्स है वो स्ट्रॉन्ग है। क्या आपको लगता है, अभी फिलहाल प्री ओपन में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, कैसे ट्रेड करना चाहिए? क्या थोड़े से प्रॉफिट बुक हो सकते हैं, शॉर्ट के मौके होंगे, या आपको लगता है कि नहीं अब भी बाइंग आएगी? नहीं, देखिए इसमें मोमेंटम तो काफी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम बैक यू नो अप मूव था और फॉलो थ्रू भी हमें अच्छा देखने मिला है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिप का वेट करें,
जो आपको टिप मिलेगा, अगर मान लीजिए 295-300 के लेवल्स के आसपास आते हैं जहां पे हल्का सा गैप क्रिएट हुआ है, दैट इज परहैप्स द बेस्ट जोन एंड द बेस्ट एरिया जहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शार्प अप मूव इसमें आया है, 200 के लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा था आई थिंक नॉट टू फार बैक 29 मार्च के आसपास। सो 15 से 20 दिनों में काफी शार्प रन अप हमें इसमें देखने मिला है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करके चले। सो अगेन 300 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास अगर आपको मिले तब आप एक अच्छा एंट्री पॉइंट इसमें वो अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा, दैट्स व्हेन यू कैन एंटर। उन लेवल्स पे एंटर करें, 285 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट 1 विल बी 325, टारगेट 2 जो है आपका ये 340 का रहेगा। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, गिरावट में खरीदारी, गिरावट में एंट्री के यहाँ पर आउटलुक मिलते हुए। लेकिन कुछ जहां हम ऑटो एंसिलरी की बात कर रहे हैं, एंसिलरी का भी एंसिलरी स्टॉक फिलिप्स कार्बन, इस पर आपसे मैं एक राय लेना चाहूंगी, क्योंकि फिलिप्स कार्बन का स्टॉक जो ये बिल्कुल चल नहीं पाता, लेकिन कार्बन ब्लैक बनाने के एकमात्र लिस्टेड प्लेयर फिलिप्स कार्बन और इस वक्त 1.5% के अपमूव्स पीसीबीएल के स्टॉक में नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि करीब 63,000 मिलियन टन के ग्रीनफील्ड प्लांट के कमर्शियल उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है कंपनी। काफी महीनों से स्टॉक में एक अपमूव दिखा नहीं है, क्या यहाँ से चाटसा आपको अट्रैक्टिव नजर आते हैं पीसीबीएल के? तो मानसी, फर्स्ट ग्रीन शूट्स या फर्स्ट साइंस ऑफ रिवाइवल हमें इसमें देखने मिले हैं। पिछले 3 से 4 सेशंस में स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को काफी समय बाद क्रॉस किया है और उसके ऊपर सस्टेन भी किया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। बट जैसा आपने सही बताया, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा शार्प अप मूव्स नहीं आते हैं, ये ट्रेडिंग बेट से बेटर एक इन्वेस्टमेंट, एक पोजिशनल कॉल रहेगा। तो इसमें अगर आप एंट्री लें तो कुछ महीनों के व्यू के हिसाब से लें, दैट विल बी मच वाइजर स्ट्रेटजी। यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए 112 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। पहला टारगेट होगा आपके लिए 125 का और दूसरा टारगेट आएगा 135 के आसपास का। तो पोजिशनल बेट के हिसाब से लें, दैट माइट टर्न आउट टू बी अ बेटर स्ट्रेटजी। राइट, 3 मिनट बचे हैं बाजार खुलने में। ये फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, हमने इस बारे में बात की पहले, लेकिन अभी जाते हैं वापस पूनावाला फिनकॉप, वहाँ लेके आइए डॉक्टर साहब। पूनावाला फिनकॉप में 1.25% स्टेक अभी भी चेंज हुआ है, स्टॉक हरे निशान में है। आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले आपको यहाँ ईटीनो स्वदेश पे ये स्टोरी ब्रेक की थी कि जो फॉर्मर प्रमोटर्स हैं पूनावाला के, जो मैग्मा फिनकॉप फैमिली जब वो हुआ करती थी, जब पूनावाला ने खरीदी नहीं थी, वो अभी भी कुछ रेजिडुअल स्टेक इसके अंदर होल्ड करते हैं, और वो है चामड़िया फैमिली, और वो चामड़िया फैमिली एक ब्लॉक करने वाली है, ये हमने आपको खबर बताई थी। अभी हमारे इस बात की पुष्टि नहीं है, वो ब्लॉक डील डेटा शाम को आएगा, देखेंगे, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, इस बात के चांसेस बहुत हाई हैं कि वही ब्लॉक आज 1.25% स्टेक बिका है। तो आप इसको देखिए, 294 का भाव है मितेश। पूनावाला फिनकॉप 300 वाला करेक्ट हुआ, फिर वापस आ रहा है, ये बड़ा ब्लॉक अगर निकल गया यहाँ से, एब्जॉर्ब हो गया पूरा, तो क्या लगता है भाव? देखिए, अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हमने अपमूव देखा कोविड के बाद, और शायद बहुत कम शेयर्स ऐसे होंगे अजय जी जहां पे ऐसा तगड़ा मूव हमको देखने के लिए मिला है विद वॉल्यूम। लेकिन कंसर्निंग जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो ये है कि जून 2022 के क्वार्टर में जो हाई लगाया था 343.80, जो स्टॉक्स का ऑल टाइम हाई था, वहां से लेके अगर आप प्रत्येक क्वार्टर, एवरी क्वार्टर इफ यू लुक एट इट, वहां पे वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली नीचे आए हैं और प्राइस मेंटेन हुआ है। तो बाजार में जब टाटा मोटर्स और क्रिसिल और जस्ट डायल जैसे अच्छे शेयर्स रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं जो पिछली 3 क्वार्टर की जो अपमूव है, जो प्राइस सस्टेन हो रहा है विदाउट सपोर्ट ऑफ अ वॉल्यूम, वो मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। तो पूनावाला फिनकॉप इरिस्पेक्टिव ऑफ द ये फंडामेंटल जो न्यूज़ है, मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा, और अवॉइड करने के पीछे रीजन यही है कि प्राइस सस्टेनेबिलिटी जो 3 क्वार्टर से है इन द रेंज ऑफ क्लोज टू 292 से लेके 250 तक का, वो विद अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम डिक्रीज के साथ है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। इसलिए मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड एटलीस्ट फॉर द करंट क्वार्टर, और करंट क्वार्टर में भी लास्ट क्वार्टर से अगर नीचे वॉल्यूम आता है और प्राइस सस्टेन होती है तो डेफिनेटली स्टॉक्स में बहुत भारी गिरावट की आशंका अगले 6 महीने में आ सकती है। ओके, इंटरेस्टिंग, आपका व्यू तो यहाँ पर अवॉइड करने का है और आप तो यहाँ डाउनसाइड देख रहे हैं, ठीक है। इसे पिछले हफ्ते भी इनफैक्ट हम डिस्कस कर रहे थे, टेक्निकली लेवल्स पर तो ये कई सारे एक्सपोर्ट्स को पसंद भी आ रहा था, आप तो क्या न्यूज़ का रीज़न भी बता रहे हैं,
और नहीं ठीक है, वो नितेश का व्यू है चार्ट्स का, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. करेक्ट. लेकिन इस वक्त आप बाजार में देखें तो एक गैप अप की तैयारी हम कर रहे हैं, लगभग बहुत बड़ी नहीं लेकिन निफ्टी पे 17,800 के ऊपर की तो आप कंफर्टेबली ओपनिंग देख सकते हैं अगर ये गैप अप को माने तो. 35 पॉइंट्स की आप ओपनिंग गैप अप देख रहे हैं. और इनफैक्ट बैंक स्टॉक्स को भी देखते हैं. बैंक निफ्टी पर जहां पर पिछले हफ्ते भी अच्छी खासी एक रैली बैंकिंग स्टॉक्स में आई, इंडेक्स ऊपर आया, वहां पर भी आपको बड़ी मूव देने की एक्सपेक्टेशन है. इस वक्त अगर टॉप गेनर खुलते ही देखें तो उसमें इंडिकेटिव में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आ रहा था, सेटल होने देते हैं, अब हुआ है सेटल. और इनफैक्ट अब बड़ी जो मूव्स, जो बड़े गेनर्स हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 1% की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है. और भारतीय एयरटेल लगातार वापस आया. दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें आपको HUL जैसे स्टॉक्स भी दिख रहे हैं और नेस्ले जैसे स्टॉक्स हैं FMCG में. ये दो स्टॉक्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं. पिछले हफ्ते भी हम ये बात भी करते हैं, बाजार में तेजी होने के बाद भी डिफेंसिव बेट्स में कुछ स्टॉक्स जो हैं जो फार्मा से भी हैं और FMCG से वो चल रहे हैं. ONGC में तेजी है और बैंक्स में आपको कोटक बैंक और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स में मूव दिख रही है. कुछ और जो ग्रोथ स्टॉक्स जैसे उसमें UPL जैसे स्टॉक्स में है उनमें भी मूव दिख रही है. इंफोसिस पे 10% का कट, जो आप 10% बोल भी रहे थे अजय, 10% का इस वक्त डाउन दिख रहा है. इनफैक्ट टेक महिंद्रा 7.5% और देखिए सब जगह है, सब जगह टेक महिंद्रा 7.5%, HCL टेक लगभग 4.5%, विप्रो. इनफैक्ट पहले पांच जो गिरने वाले काउंटर हैं वो सिर्फ IT के हैं. HDFC बैंक पे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं है. दोनों HDFC ट्विन्स आप देखें तो लगभग 0.5% की गिरावट है, हो सकता है वो रिकवर भी हो जाए. देखिए HDFC में कोई चिंता की बात ही नहीं है, अगर कोई नीचे अभी आता है तो आपको लेना चाहिए. IT जल्दबाजी मत करिए, डी रेटिंग स्टार्ट हुई है, थोड़ा रह सकती है, एक आध क्वार्टर देख लीजिए नंबर्स कैसे आते हैं फिर काम करिए. ये जी एंटरटेनमेंट ब्लॉक हो गया, बाय द वे 6% का ब्लॉक हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है मार्क करना. स्टॉक हरे निशान में, यानी ब्लॉक के बाद लोग बाहर जा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि एक बड़ा ब्लॉक है निकल गया. ये देखिए जी एंटरटेनमेंट. कुछ और स्टॉक्स देखिए आपको मैं दिखाऊं, भारती 800 में वापस आ गया. भारती वापस आ रहा है, करेक्ट. पिछले पूरे हफ्ते में आप देखें तो मूवी काफी अच्छी मूव थी. और कुछ मिड कैप्स आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अजय, मिड कैप्स में भी अगर लगात की बात करें तो मिड कैप में भी IT है जो नहीं चल रहा है इस वक्त. तो म्यूटेड स्टार्ट एक्सपेक्टेड था और इसी तरह का म्यूटेड स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफिक तो नजर आ रहा है. मिड कैप इंडेक्स में करीब 100 अंकों की बिकवाली देखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक अगर यहाँ पर मजबूत स्टॉक्स की बात करेंगे मिड कैप में सबसे आगे अजय कौन है? पूनावाला फिनकॉर्प 1.25% की तेजी के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं. पूनावाला फिनकॉर्प में ट्रेड्स जो है खुलते हुए मजबूती यहां पर बिल्कुल नजर आ रही है. अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर भी बताई है और इस खबर की पुष्टि होने पर स्टॉक में किस तरह का रिएक्शन है ये भी हम जानेंगे. लेकिन इस बीच साथ ही अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट काउंटर्स गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हम देख रहे हैं करीब 0.5% तक की तेजी यहां पर नजर आ रही है. इस वक्त अगर आप देखेंगे लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक प्लेस में मिड कैप इंडेक्स में भी इन पर्टिकुलर जाइडस लाइफ जैसे स्टॉक्स चल रहे हैं, इन स्टॉक्स पर नजर रखें. एल्केम लेबोरेटरीज जैसे काउंटर्स में मजबूती है और केमिकल प्लेस में फ्लोरोकेमिकल के काउंटर को देखें. बैंक्स फाइनेंशियल्स मिड कैप में भी चल रहे, बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को देखें करीब 0.5% की तेजी के साथ ये ट्रेड करता हुआ. और साथ ही UBL इस स्टॉक पर भी खास नजर होनी चाहिए क्योंकि हरे निशान के साथ यहां पर कामकाज. लेकिन कोफोर्ज, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फासिस जैसे IT सेक्टर वाले स्टॉक्स एवं मिड कैप IT प्लेस जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रहे, बिकवाली का दबाव यहां पर. टाटा कंज्यूमर, सोना कॉमस्टार, TTML, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि इस वक्त गिरावट झेल रहे हैं. तो क्लियरली मार्केट के सेंटिमेंट्स को अगर समझेंगे म्यूटेड स्टार्ट जो एक्सपेक्टेड था क्योंकि ओवर द वीक पिछले हफ्ते हमने IT सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियां TCS और इंफोसिस के नतीजे देखे. नतीजों के ठीक बाद ब्रोकरेजेस के भी डाउनग्रेड्स नजर आए और इसके ठीक साथ IT सेक्टर के सेंटिमेंट्स गड़बड़ाए. लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल्स में HDFC बैंक के पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के ठीक बाद सेंटिमेंट्स जो है इस वक्त तो ठीक ठाक नजर आ ही रहे हैं और ये सीधे तौर पर मार्केट के ओपनिंग पर भी झलक रहा है. आइए मार्केट के ओपनिंग पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय जानते हैं. कुश, हाउ डू यू सी द मार्केट ओपन? एज एंटिसिपेटेड ग्लोबल मार्केट से भी कोई सपोर्ट नहीं है और इस वक्त कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि बाजार की स्टार्ट को म्यूटेड बना रहे हैं. बिल्कुल मानसी, बट ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है. 17700 के लेवल्स हम वैसे ही सुबह डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा उसके नीचे हैं. सो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें बिकॉज खुलने के बाद हम थोड़ा सा और नीचे स्लाइड हुए हैं. 17600-650 के लेवल्स के आसपास मिलता है अगर मार्केट थमता है तो ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट और बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा. बट जैसा कि हमने सुबह डिस्कस किया, आज का दिन हो सकता है इंडस्ट्रीज पे एक वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहे. स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है ये प्लेंटी रहेगा और इसमें भी बैंक निफ्टी जो है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. बिकॉज IT का प्रेशर तो सारा निफ्टी झेल ही रहा है. बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो उतना प्रेशर नहीं है. सो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करें, एक बार इंडिसीज और थोड़ा मार्केट सेटल होते हैं, देन आउट ऑफ द टू बैंक निफ्टी माइट प्रोवाइड यू अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग.
तो यू नो निफ्टी अवॉइड, बैंक निफ्टी, बाय ऑन डिप्स आज के लिए भी कर सकते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है ये काफी यू नो अच्छा है आज मार्केट में, तो स्टॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर द डे। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी हीट मैप पर अगर देखें, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में करीब 1.5% की तेजी है, पावर ग्रिड और इंडसइंड बैंक के बाद मितेश डॉक्टर रेड्डीज में अच्छा एक्शन डेवलप होता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज में जो मोमेंटम है वो अभी और कंटिन्यू होगा, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू हो रहा है। और अगर आप देखें तो एक बार जो उसने प्रीवियस हाई था 4563 वो जैसे ही टेकआउट किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली उसमें देखने के लिए मिली है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सब स्टॉक्स जो अभी ब्रेकआउट होके आ रहे हैं उसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट वॉल्यूम का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, तो वो चीज़ कैटेगरिकली इंडिकेट करती है कि जो भी रैली है डॉक्टर रेड्डी में वो सस्टेनेबल है। फॉर एग्जांपल अगला जो रेजिस्टेंस है वो दिसंबर 2021 का 5077 है, 5077। वी आर ऑफ द व्यू कि बहुत जल्द ये स्टॉक ये भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा और अल्टीमेटली उसका ऑल टाइम हाई जो उसने लगाया था इन द मंथ इन द क्वार्टर ऑफ सितंबर 2021 5614.60 वो क्रॉस करेगा। तो अगले 6-9 महीने तक ये स्टॉक डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की कैटेगरी में है। और स्पेशली प्रॉमिसिंग चीज ये है मानसी जी के पिछली दो क्वार्टरों में हार्ट ऑफ हार बॉटम लगा के जो उसका पिछले 5 क्वार्टर से जो हाई क्रॉस नहीं हो रहा था 4600-4700 वो क्रॉस हुआ है, तो द चार्ट इज लुकिंग एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग। बायन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ डेफिनेटली अगले 3-6 महीने के ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिल्कुल, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब आपको कुछ बढ़िया मसालेदार न्यूज आपको मैं दे दूँ। सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि संजय चामणिया फैमिली जो है, जो रेसिडुअल ओनर्स थे, पहले मैग्मा फिनकॉर्प था जब पूनावाला ने खरीद लिया, उनके पास अभी रेसिडुअल स्टेक था, वही ब्लॉक आज 1.25% का हुआ है, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक 296 के आसपास आ गया है। ब्लॉक की बात करें तो जी भी देखिए, जी में हमने आपको सुबह बताया था बड़े बड़े लोग ऐड कर रहे हैं, अगर ये ओवरहैंग एक ब्लॉक का निकल जाता है 6% एब्जॉर्ब हो गया पता ही नहीं चला। ये देखिए डेज हाई की तरफ ये पूरा ब्लॉक 5.65% स्टेक आज एब्जॉर्ब हो गया है, स्टॉक डेज हाई की तरफ है, तो ये ध्यान से आपको एनालाइज करने की जरूरत है। हमारे साथ शिवांगी सारदा भी आ गई हैं बात करने के लिए, बाजार और स्ट्रैटेजी। शिवांगी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले अपने ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करें, अभी अभी बाजार खुला है, बताइए क्या लिया जाए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि जो निफ्टी है वो आज एक वीक ओपनिंग दिखा रहा है ग्लोबल संकेत के कारण भी, और हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स जो है वो काफी हद तक सर्ज कर चुका है, काफी हफ्तों से ये लो जो है बेस पे ट्रेड कर रहा था, पर आज हम इसमें एक स्पाइक देख रहे हैं। तो ओवरऑल कुल मिला के थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन जरूर देखने को मिल रहा है और थोड़ा सुस्ती जरूर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कम स्टॉक्स के साथ रहना चाहेंगे और इंडेक्स में भी वेट एंड वॉच के ही रणनीति अपनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पिक जो है वो रहेगा पॉली कैप में। हमने देखा है कि स्टॉक काफी वीकली फ्रेम में काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, वीकली फ्रेम में ब्रेकआउट के बाद हमने फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक कंटिन्यू जो है हायर बॉटम बनाते जा रहा है, यानी कि जो बेस है वो अच्छी तरह से शिफ्ट होते जा रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है 3200 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे और स्टॉप लॉस के तौर पे 3020 के लेवल्स को ध्यान रखें। कैब अच्छा स्टॉक आपने लिया है, पॉली कैब और केईआई दोनों मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं केबल वायर केबल्स में, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों, 52 वीक हाई के करीब ही रहते हैं, लेकिन हुआ क्या पिछले एक महीने में माइल्ड करेक्शन कहीं प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए पॉलीकैब और केईआई दोनों में हुई, और वो मौका देख के लोगों ने बहुत अच्छा उसके अंदर एंट्री ली, और पॉलीकैब भी आपका स्टॉक है। एक और स्टॉक मैं मिड कैप एरिना से आपको एक महीने से दिखा रहा हूँ, वो है प्रिसिशन कैमशाफ्ट। डॉक्टर साहब जरा लेके आइए प्रिसिशन कैमशाफ्ट, 120 रुपये का भाव है, 80-90 से हम लोग बात कर रहे हैं, 30% चला है एक महीने में, हालांकि मैनेजमेंट अभी हमारे हाथ नहीं आ रहे, मुश्किल है, ज़्यादातर समय वो एम्स्टरडेम में बिताते हैं क्योंकि वहाँ पे नेदरलैंड में उन्होंने ईवी की सब्सिडरी खरीदी थी 5 साल पहले। बाजार का मानना ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ हैं, फंडामेंटली कुछ प्रोग्रेस हुआ है, और इसीलिए आप देखेंगे कि एक महीने से ये स्टॉक चलने लगा है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट तो हैं ही,
लेकिन मैं कुछ से डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ प्रिसिशन कैमशाफ्ट के जरा चार्ट देख के बताइए, क्या यहां से मौका लगा है अगर भी 100 रुपए के आसपास 90-95 में एंट्री लिए बुक कर लें या रुकें? सो अजय, यहाँ पे स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम बात करें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाइज, तो इट विल बी अ गुड आइडिया टू पार्टली बुक यू नो प्रॉफिट्स। अगर मान लीजिए आपकी पोजीशन यू नो 90-100 रुपीस के आसपास की हो तो 50% बुक कर लीजिए, द रेस्ट यू कैन रिमेन यू नो इन्वेस्टेड, बिकॉज अच्छा खासा इसमें हम मोमेंटम देख रहे हैं। आज एक गैप क्रिएट हुआ है, यू नो रिमेन्स टू बी सीन व्हेन इट विल गेट फिल्ड, लेकिन जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है मेरे ख्याल से इसके चलते ये स्टॉक यू नो 130 के लेवल्स तक भी यू नो एक छलांग लगा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप यू नो पार्टली बुक करें, पार्टली इसमें बने रहें। फ्रेश एंट्री की सलाह मैं इसमें नहीं दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी जैसा आपने भी बताया कि भाई करीब 30% चल चुका है इन द लास्ट यू नो मंथ मंथ एंड हाफ, तो ऑलरेडी काफी रन अप है। थोड़ा डिप मिले अगर आपको मान लीजिए 110 और 105 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास, तब आप एंट्री लें, तो आपके लिए जो पे ऑफ रेशियो है ये बेटर रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन पार्टली बुक करें, फ्रेश पोजीशन बाय ऑन डिप्स। राइट, तो ये तो प्रिसेशन कैंप पर बात रही, लेकिन ध्यान सिर्फ आईटी स्टॉक्स पर जा रहा है। सीधा सीधा नोज डाइव मूव में आपको दिख रही है इन्फोसिस पे, इनफैक्ट अब तो 12% की गिरावट दिख रही है, और आई थिंक ये मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट डिक्लाइन भी होगी। और सारे आईटी ये स्टॉक्स हम सुबह मॉर्निंग में डिस्कस भी कर रहे थे, पर शिवांगी क्या एडवाइस कर रही हैं आप अपने क्लाइंट्स को आईटी पर अभी फिलहाल, और फर्दर शॉर्ट्स के मौके होंगे या फिर कई बार पुल बैक पर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आप इस वक्त एडवाइस कर रही हैं? जी बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि इनमें जब स्ट्रेंथ बन रहा था तब भी जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा था हायर सोर्स पे, और स्टॉक एक वीकनेस में बढ़ते हुए दिख रहा था, और अब आज गैप डाउन यू नो ओपनिंग के बाद सारे ही काफी वीक लग रहे हैं, तो काफी गैप डाउन हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। बिल्कुल अभी यहाँ पे कोई स्टांस नहीं बन रहा है, तो खरीदारी आप इक्वाली ना करें तो बेटर है। हमारे साथ अविनाश है। अविनाश, एक कंपनी का लेटेस्ट आईपीओ आया था यूनी पार्ट्स, 525 का भाव है, 2.5% ऊपर है, सब लेके आइए चार्ट्स, इसलिए जरूरी है इसको डिस्कस करना कि फ्यूचर के अर्निंग्स तो भूल जाइए, लेकिन करंट अर्निंग में 200 करोड़ का पैट करते हैं, 10 टाइम फॉरवर्ड मिल रही है कंपनी। और हुआ क्या है कि पिछले हफ्ते स्टॉक जब करेक्ट हुआ है करीब 600 रुपये के भाव से आईपीओ के बाद, इसमें अबैकिस फंड ने माल खरीदा है बाजार से, ये एक डेटा दिखाई दे रहा है। क्या आपने देखी है ये स्टॉक को, देखा है आपने? 550 पे लेना चाहिए क्या अविनाश? नहीं बिल्कुल बिल्कुल अजय, देखिए ये कंपनी का यूएस में जो फार्म इक्विपमेंट सेक्टर है उसको ज्यादातर केटर करती है, और काफी बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर वो एंजॉय करती है। और आपने सही कहा कि इस साल कम से कम 190-200 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमाएगी, और वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, इनफैक्ट आईपीओ के प्राइस के नीचे स्टॉक चल रहा है। लेकिन अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, क्योंकि पिछले क्वार्टर दैट इज दिसंबर क्वार्टर के बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, इनफैक्ट कंपनी का मानना है कि आगे आने वाले कम से कम 12-18 मंथ्स के लिए ऑर्डर बुक विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं देखिए जब भी कोई बड़ा HNI या कोई बड़ा PMS जैसे खरीदता है तो डेफिनेटली मार्केट्स में डेफिनेटली थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल बूस्टर मिलता है। इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, अगर किसी को 12-15 मंथ्स का नजरिया लेना है तो मेरे ख्याल से जरूर इसमें निवेश करने का मौका होना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 20% के ऊपर आएगी और वैल्यूएशंस आपको बहुत ही अच्छे यू नो रेंज में मिल रहे हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली एक वर्थ वैली कैंडिडेट है अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है। बात बताना भूल गया मैं मानसी, प्रिसिशन कैमशाफ्ट में एक और चीज हुई फ्राइडे को, हम तो खैर एक महीने से बता रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं कि पुल बैक आए तो ले लीजिए, ये पार्ट आज ये सर्किट भी लग सकता है। इसमें विजय केडिया जी ने 1% प्लस स्टेक ले लिया है, एटलीस्ट डेटा ये बता रहा है कि 1% क्रॉस हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि फ्राइडे को ही पूरा 1% लिया हो, वो टाइम से ले रहे होंगे, लेकिन ये क्रॉस हुआ है तो एडिशनल बाइंग के चक्कर में मुझे थ्रेशोल्ड जब क्रॉस करता है तो दिखने लगता है कि हाँ साहब इनका शेयर होल्डिंग है 1%, तो हो सकता है इसलिए भी लोग थोड़ा एक्साइटेड हो गए, पार्ट बाय पार्ट बिग बुल बाइंग है, व्हिच इज अ शायद इसलिए बाजार थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया होगा इस पर। खैर एनीवेज ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। थोड़े से तो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा मूव दिख रहा है अपना, और ये चल भी रहे हैं, नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो, इनमें मूव लगातार कंजम्पशन स्टॉक्स में बनी हुई है। थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव की तरफ टिल्ट होता है, क्या इनमें बढ़त आ सकती है? या फिर मिथिलेश से पूछते हैं, मिथिलेश आपका सिस्टम मेथड के हिसाब से क्या एक्यूमुलेशन इन जोन्स में भी है कंज्यूमर स्टेपल्स, इनफैक्ट आप ग्लोबली भी फंड्स को देखें तो वहां पर भी ये स्पेसेस चले हैं?
एग्जैक्टली आई थिंक आप अगर ब्रिटानिया की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे एक एक्युमुलेशन जोन में चल रहा है, और डेफिनेटली दूसरा भी जो स्टॉक है नेस्ले, तो उसमें भी अगर आप देखें तो वो भी एक्युमुलेशन जोन में ही चल रहा है। तो आई थिंक एफएमसीजी में जो सिस्टम और मेथड इंडिकेट कर रहे हैं ये ही है कि निचले स्तरों से डेफिनेटली एक बाइंग आ रही है, और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दोनों स्टॉक्स में हमको एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिलेगा। साथ ही साथ अगर यही कैटेगरी की एक बात करें तो आई थिंक जुबिलियन जो फूड है, जुबिलियन, तो उसमें भी एक बॉटम फॉर्मेशन से एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग अपमूव के लिए ऑन द कार्ड है। वी आर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। हमको लग रहा है कि 495 जब क्रॉस करेगा जुबिलेंट फूड में 495 सस्टेनेबली ऑन अ वीकली चार्ट, उसके बाद एक बहुत ही बड़ी और तगड़ी रैली उसमें आएगी और क्लोज टू 625 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ विद इन दिस सेम कैटेगरी वी आर लुकिंग फॉर जुबिलेंट फूड। बहुत ही जल्द इसमें ब्रेकआउट, सस्टेनेबल ब्रेकआउट आएगा, और हमारे हिसाब से आई थिंक मेगा ट्रेंड उसमें भी बहुत ही जल्द शुरू होगा। इस वक्त अगर हम देखें कंट्रीब्यूटर्स में कंजम्पशन है, बैंक्स, फाइनेंशियल्स है, और ठीक उसके सामने गिरावट हम देख रहे हैं आईटी पैक में सीधे तौर पर नजर आ रही है, और क्लियर कट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मूव्स हैं। आईटी सेक्टर से जुड़े जो नतीजे वो कमजोर हैं, बैंक्स फाइनेंशियल्स में इस वक्त उम्मीदें अब भी खड़ी हैं, और इसी के चलते बैंक्स फाइनेंशियल्स पर फोकस भी रहेगा। कुछ छोटी मझौली बैंक, इनफैक्ट पीएसयू प्राइवेट बैंक प्लेज, अगर आप देखें कोई पर्टिकुलर बैंक जो आप पिक करना चाहेंगे अगर टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स और हैवी वेट्स की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक जिसके नतीजे इस हफ्ते आने हैं उस स्टॉक में अच्छा मजबूत एक्शन हम देख रहे हैं। इसके ठीक पीछे एक्सिस बैंक भी है, यहाँ पर भी करीब आधे से 1% तक की तेजी दिखी है। बैंक्स में ऑल इन ऑल चाहे फिर वो स्मॉल बैंक प्लेज हो या फिर हैवी वेट्स हो, कहाँ पर नजर है? सो मानसी, आई थिंक ये एक थीम हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी और मेरा व्यू अभी वही है जो यू नो मैंने लास्ट वीक शेयर किया था, विच इज बैंकिंग विल डू वेल, लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर, अभी भी अगर हम ग्लोबली बात करें तो जो बैंकिंग क्राइसिस है ये नहीं ओवर हुआ है। यू नो जेपी मॉर्गन चेस के जो चीफ हैं उन्होंने फिर से अच्छे रिजल्ट्स के बाद यही रिइटरेट किया दैट द बैंकिंग क्राइसिस मे नॉट बी ओवर। अब उसका रेलेवेंस इंडियन मार्केट्स में इस तरह बनता है कि जो टॉप बैंकिंग नेम्स हैं और जो मेरे यू नो टॉप फोर पिक्स हैं, दो फ्रॉम दी यू नो प्राइवेट स्पेस एंड दो फ्रॉम द पीएसयू स्पेस, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई एंड यू नो एसबीआई एंड बंधन बैंक, ये चार सॉरी एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चार बैंक्स हैं जिन पे मेरी नजर रहेगी। जो छोटी मझोली बैंक्स हैं इनमें देखिए ट्रेडिंग बाउट्स अगर आपको मिले तो आप प्ले करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, बट अदरवाइज माई व्यू विल रिमेन यू नो फॉर अ बाय ऑन दिस बिग बैंक्स ओनली। आईसीआईसीआई बैंक एक क्लियर विनर है यहाँ पे, अच्छा खासा रनअप हम देख रहे हैं, आज हमने खुलने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बट दैट्स ऑल राइट बिकॉज द स्टॉक इज कमिंग ऑफ यू नो अ वेरी स्ट्रॉन्ग शार्प रैली 830 से जो शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रैली आई है यहाँ पे 90 पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिप मिले तो आप बाय करके चल सकते हैं। सो आईसीआईसीआई बैंक में 890 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें, 925 आपका पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 940 का रहेगा, बट माई सजेशन वुड बी स्टिक विद द यू नो बिग नेम्स, दे आर मच सेफर बेट इन द एनवायरमेंट दैट वी आर इन राइट नाउ। रेमंड्स के चार्ट को एक बार देखते हैं, शार्प अपटिक इस वक्त नजर आ रहा है, 2.5% के मूव्स यहाँ पर हैं, और प्रशांत आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे। वैसे तो री रेटिंग का कैंडिडेट ये बन भी चुका है क्योंकि कोर बिजनेस काफी हद तक स्ट्रांग है और मैनेजमेंट जो है अपने अगले सारे बिजनेस वर्टिकल्स जो इसमें पिवट करने की कोशिश भी कर रही है, चार्ट्स पर भी मजबूती दिख रही है और फंडामेंटली भी स्टॉक स्ट्रांग है, आपकी राय क्या होगी? जी मानसी, आउटराइट बाय डेफिनेटली, इनफैक्ट मैं काफी वक्त से इसको ट्रैक कर रहा हूं और मैं इसमें वेट कर रहा था कि 1325-30 के ऊपर निकले, तो अगर ये इस जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है मैं डेफिनेटली इसमें बाय रहूंगा, और जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा वो होगा करीबन 1300 के जस्ट नीचे, तो 1290-95 के आसपास आप रख सकते हो और होल्ड कर सकते हो, पर टारगेट्स अराउंड 1420 से लेके 1440। 5% ऊपर आपको नजर आ रहा है और साथ में रेमंड के बारे में भी आप बात करती हुई नजर आई हैं। देखिए मामले का इस एक बार बाजार के माहौल का जायजा ले लें, हो क्या रहा है बाजार में? आईटी में 50% वेट है पूरा इंडेक्स में, आईटी वन साइड डीरेट हो रहा है, लेकिन आईटी को अगर आप छोड़ दें तो बाकी का बाजार बहुत वाइब्रेंट है। आप निफ्टी गेनर्स देखें, आप कुछ और सेक्टर्स देखें, रियल इस्टेट देखें, ऑटो पार्ट्स देखें, केमिकल नेम्स देखें, तो अगर आप आईटी में नहीं हैं तो बाकी हिस्से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, डिफेंसिव अच्छा कर रहा है, कई बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक को देखिए आप कितना शानदार मूव वहाँ पे आ रहा है, बजाज फाइनेंस भी आज ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक तो है ही, तो सिर्फ आईटी को सोच के आईटी वजह से जो इंडेक्स में वेट दबाव आ रहा है इसको सोच के ये ना समझें कि आप पूरे बाजार में एकदम मायूसी छा गई है, ऐसा है नहीं सीन। बैंक निफ्टी को लेके आइए डॉक्टर साहब, बैंक निफ्टी डॉक्टर साहब लेके आइए, बैंक निफ्टी में आपको बताते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए फ्लैट है बट गिरा नहीं है बहुत ज़्यादा,
एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट के नाते और ओवरऑल बाजार में आप जरूर ध्यान रखिए, प्रशांत से ही डिस्कस करते हैं, वो है सन फार्मा। सन फार्मा हजार के ऊपर बना हुआ है और इसका एक महीने का चार्ट देखिए, क्या एक इसके अंदर इस समय करेक्टिव जोन या कह लीजिए थोड़ा टाइम करेक्शन हो चुका है प्रशांत, क्या इसमें री एंट्री लें? 50 रुपए चला इस महीने। जी अजय जी बिल्कुल राइट लेवल टू एंटर मुझे लग रहा है, क्योंकि जहां बिकवाली हो रही थी अगर हम वहां पे देखें तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो मैं इसको एक डिप भी मानूंगा और जो बॉक्स कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ये डिप आई है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, तो मेरे हिसाब से आप इसको करीबन 990 के आसपास ही स्टॉप लॉस रख के एंटर कर सकते हो। और जहां तक ऊपरी लेवल रेजिस्टेंस की बात है, जो जहां गए थे 1025 ये एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, बट इसके ऊपर हम सस्टेन करें तो डेफिनेटली आप 1045 तक के लेवल भी देख सकते हो। मितेश ने लिया है और मैं उनसे इत्तेफाक भी रखता हूँ कि टाटा मोटर्स में अब एक नई चाल शुरू हो रही है, ज़रूरी नहीं है डेली चले, लेकिन आप ये देखिए ये 2-2.5 साल से टाटा मोटर्स चला ही नहीं है और अभी लास्ट एक महीने में एक मूव आया है, वो 400 वाला 470 50 रुपये का मूव, लेकिन कंपैरेटिवली देखिए 2-3 साल से जो स्टॉक चला ना हो तो ये शुरुआत हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये भाव अच्छा है लेने का, नीचे में कहाँ तक लें? एक पोजीशन, एक ही भाव से पूरी पोजीशन ना बनाना चाहूँ मैं, अगर मैं फैला के लेना चाहूँ, मितेश एक बार रिविजिट करिए, ये 420-430 तक फैला के लें, हर 10-10 रुपए नीचे एक लॉट लगा लें? अजय जी आपने बहुत ही बढ़िया एक बात की थी शो के ओपनिंग रिमार्क्स में, जब आईटी की बात चली थी, इंफोसिस की बात चली थी तब, और वो बात ये थी कि ये तेजी जो चलेगी शायद आज बॉटम भी हो सकता है इंफोसिस का, मतलब आज मतलब थोड़े दिनों में, और जब शुरू हो तब आप पकड़ भी नहीं सकते, तो आपको और हमको दोनों को पता है कि बाजार में जब कोई स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक तेजी आती है तो जनरली बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर पॉसिबल हो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि ऊपरी लेवल के ऊपर एवरेज करते हैं, जनरली एवरेजिंग नीचे किया जाता है, ऊपर बहुत कम लोग करते हैं, तो आपका अगर आंसर में बहुत स्पेसिफिकली दूं तो टाटा मोटर का जिस हिसाब से पैटर्न है डेफिनेटली अगर आप नीचे आए तो एवरेजिंग कर सकते हो, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको अराउंड 32-35% पोजीशन करंट लेवल के ऊपर बना लेनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है टेक्निकली मैं आपको बोलूं, अगर 494.40 का जो हाई था 19 अगस्त 2022 का वो जब क्रॉस होगा तब अजय जी सीधा वो ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाएगा, तो आई थिंक अगर आप नीचे में एवरेज नहीं कर पाते हैं बाय द टाइम स्टॉक चल जाता है, जो आपका ओपनिंग रिमार्क्स में था कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तेजी आती है पता भी नहीं चलता, तो टाटा मोटर में ऊपरी स्तरों के ऊपर लेने के लिए आप जगह रखना, ये मत सोचना कि अगर 470-480 में नहीं लिया तो 520 में नहीं ले सकते। अजय जी ये बहुत ही बड़ा मेगा ट्रेंड शुरू हो सकता है इसमें, और प्रोबेबली मैंने जो पहले भी बोला अगर एक साल में या अगले 2 साल में प्रोबेबली ये सेगमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग रनर या सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर भी हो सकता है, तो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ 35-40% ले लें, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि स्ट्रॉन्ग करेक्शन आए, लेकिन ऊपरी स्तरों के ऊपर भी एवरेज करने के लिए प्रिपेयर रहना। ऑलराइट ठीक है, तो टाटा मोटर्स पे हाई कन्विक्शन मितेश पंचाल की, लेकिन आज के लिए कहाँ हैं और ट्रेडिंग आइडियाज, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स वहां पर तो अच्छी मूव है, तो क्या ये और ट्रेडिंग गेन्स में कन्वर्ट हो सकता है? शिवांगी फाइनेंस काउंटर्स में अब श्रीराम फाइनेंस पे भी नजर जा रही है, चोला भी चल रहा था, और इनफैक्ट दूसरा स्पेस अगर आप सीमेंट की बात करें तो वहां पर भी अच्छी मूव है, दोनों स्पेसेस को देखें तो कहाँ ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है ट्रेडिंग के लिए? आज से कुछ टॉप बेट्स अगर चूज करनी हो तो फाइनेंस या बैंक या फिर सीमेंट भी अच्छा प्ले है? जी बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल स्पेस की बात करें तो निफ्टी बैंक जो है वो काफी पॉजिटिव है, जरूर आज एक पॉज देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग है, पर जो स्ट्रक्चर है हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक का अभी भी होल्ड कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो यहाँ पे बिल्कुल मेरी राय रही रहेगी कि बैंकिंग के साथ रहे, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है, काफी स्ट्रॉन्गली होल्ड भी कर रहे हैं, आज थोड़े डिप्स जरूर देखने को मिल रहे हैं पर ये डिप्स को यूटिलाइज करें खरीदारी के लिए ही। मुझे पसंद आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक,
काफी स्ट्रॉन्गली यू नो प्लेस्ड है, पिछले 4 दिनों से हायर हाइज हायर लोज भी बना रहा है और जो अपने रेंज से निकल के यहाँ पे एक अच्छी तरह से होल्ड भी कर रहा है, तो ये डिप्स जो है वो यूटिलाइज करें बाइंग के लिए और यहाँ पे जो है 935 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, 880 के स्टॉप लॉस को बनाए रखें। ऑलराइट, तो ये तो आईसीआईसीआई बैंक पर आपका व्यू रहा। एक बार प्रशांत और शिवांगी दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज समय दिया आपने, सॉरी मितेश और शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय दिया, प्रशांत और कुश हमारे साथ हैं। कुश, एक बार एसबीआई कार्ड्स को एनालाइज करें हमारे लिए, क्योंकि मार्च के जो क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हैं वो एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग आए हैं। एसबीआई कार्ड्स पे क्या मूव दिख रही है, क्या कोई गेंस के लिए अप मूव दिखता है, एक बार के लिए यहाँ पोजिशन ले सकते हैं? प्रियंका, मैं कहूंगा ये जो अपमूव आया है इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यू नो यूज करें, अगर पूरा ना करना चाहे तो पार्टली ही सही, बट एक बार के लिए यहाँ से यू नो एग्जिट कर लेना विल नॉट बी अ बैड आइडिया। स्टॉक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक रिवाइवल है, लेकिन यू नो हमने हर यू नो हायर लेवल्स पे सप्लाई आते हुए देखा है, तो 770 एक बहुत ही क्रूशियल जोन है। इनफैक्ट अगर मैं उसको थोड़ा ब्रॉड कर रूँ तो 770 टू 780 का इसमें एक सप्लाई जोन है, इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो, स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, इसलिए अगर किसी ने नीचे के यू नो भाव से लिया हो 700-725 के आसपास भी लिया हो तो प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे एक यू नो अच्छी स्ट्रेटजी होगी। सो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे एग्जिट करें या प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश एंट्री मैं सजेस्ट करूंगा 780 के ऊपर, अगर स्टॉक जाता है सस्टेन करता है तब हम देखेंगे, फॉर नाउ द आइडिया वुड बी टू यू नो बुक प्रॉफिट्स एंड एग्जिट। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के चार्ट हमारे लिए आप चेक कीजिए, और इनफैक्ट फ्लोरोकेमिकल स्पेस में अपने प्योर्स के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म कर रहा है गुजरात फ्लोरोकेम, और चार्ट्स पर भी करीब 3% की तेजी। प्रशांत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अमानसी, इसका आप एक बार कोड प्लीज बताएंगे। गुजरात फ्लोरोकेम, एक मिनट में आपको कोड भी बताती हूँ। GUJ, यस GUJ FLU, इसे सर्च कीजिए। ये करीबन 3200 के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस है, बट एक चीज जो नजर आ रही है, जस्ट हम आधे घंटे का मार्केट ओपन हो चुका है और आप सिर्फ डेली चार्ट पे वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम जो है वो करीबन पिछले काफी दिनों के पूरे दिन के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो कोई स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हो रहा है, डेफिनेटली बाय करना होगा। और जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे आइडियली आइडियल स्टॉप लॉस होगा आज के लो के नीचे, यानी करीबन 3090-3095 के जोन में पोजिशनल बाय होगा, और यहाँ से अगर सस्टेन करे तो मुझे लग रहा है कि हम करीबन 3300 से लेके 3350 तक भी जा सकते हैं, तो वॉल्यूम बेसिस पे मैं डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। हमारे साथ एमके धनुका जी जुड़ रहे हैं, एमडी धनुका एग्रीटेक के। एक तरफ तो एलनीनो का डर, दूसरा केमिकल स्पेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया है। अगर आप स्टॉक्स को देखें लास्ट 1.5-2 साल में एक बहुत अच्छा करेक्टिव फेज हो चुका है और स्टॉक्स में करेक्शन आ चुका है। बाजार का ये भी मानना है, एक सेक्शन ऑफ द मार्केट का ये मानना है कि क्या केमिकल स्टॉक्स खरीदने का समय आ गया है? केमिकल स्टॉक्स को क्या दिक्कत थी? एक तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे चाइना डिसरप्शन में, फ्रेट रेट्स बहुत बढ़ गए थे, ये दोनों बड़ी बातें अब सुधरती हुई नजर आ रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ एलनीनो का। तो ये दोनों चीजों को हम एड्रेस करेंगे धनुका जी के साथ। धनुका जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि जब वर्स्ट ऑफ एग्रोकेमिकल केमिकल एज अ होल, क्या वर्स्ट फेज हमारा जो 3-4 साल से हम देख रहे थे बड़े चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, फ्रेट को लेके, रॉ मटेरियल को लेके, डिमांड को लेके? बिल्कुल आपने सही बताया कि प्राइसेस जो है वो रॉ मटेरियल के काफी नीचे आ गए हैं और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में तो करेक्शन 50% लेवल तक है। ग्लाइफोसेट जो कि 1000 रुपीज पहुंच गया था वो 500 रुपए पे आ गया है और कुछ प्रोडक्ट्स में 20-30% तक का करेक्शन है। ओवरऑल 20% हम मान सकते हैं कि करेक्शन जो जेनरिक रॉ मटेरियल्स हैं उसके अंदर में आया है और कंपनी ने वो सभी जो करेक्शन है प्राइस डिक्रीज फार्मर्स को पास ऑन किया है। तो अब फार्मर के लिए ये पेस्टिसाइड्स जो है खरीदना सस्ता हो गया है तो इसलिए वो ज्यादा यूज करेगा अपनी फसलों को कीड़े और बीमारियों से बचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण से किसानों को प्रॉब्लम हो रही थी इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए, वो जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और डिमांड जो है पेस्टिसाइड्स की डेफिनेटली आने वाले समय में बढ़ेगी।
ओके ऑल राइट, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे मिस्टर दानिका कि जो ये स्काईमैट का इनफैक्ट दो व्यूज अलग अलग आए, आईएमडी की तरफ से पहले ये व्यू आया, पहले एलिनो की बार बार बात हो रही थी, उसके बाद आईएमडी की तरफ से आया कि नॉर्मल रेनफॉल होगा, स्काईमेट का हालांकि डिफरेंशिएटेड व्यू था, अब फिर से आईएमडी का एक और व्यू निकल कर आ रहा है कि एलिनो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। आप तो इस पूरे न्यूज को क्लोजली ट्रैक करते होंगे क्योंकि आपकी डिमांड इससे इम्पैक्ट होगी, इस वक्त आपको डिमांड सिनेरियो ऑन ग्राउंड दिख कैसा रहा है? देखिये अभी ऑफ सीजन का समय है तो इस समय कहना बड़ा मुश्किल है, जब बारिश आ जाती है उसके बाद में सोइंग होती है और उसी समय पता लगता है डिमांड की क्या सिचुएशन है, तो इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट द डिमांड। लेकिन अभी जो आईएमडी का फोरकास्ट आया था वो 96% रेनफॉल का था और स्काईमेट का 94% का था, तो मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली 2-3% का फर्क पड़ सकता है डिमांड के अंदर में और ग्रोथ के अंदर में, लेकिन इससे ज्यादा का फर्क जो है एलिनो की जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा फर्क जो है वो ग्रोथ के अंदर में नहीं आना चाहिए। धानुका जी गुड मॉर्निंग, आपके इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज जो हैं वो पीक कैपेसिटीज पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अर्निंग्स अगर देखें तो रेवेन्यू के फ्रंट पर इजाफा देखने को मिला है, लेकिन प्लांट कमिशनिंग की बात करें और दहेज प्लांट की कमिशनिंग की बात अगर करें, मार्च में कमिशनिंग होनी थी, इसमें डीले की वजह क्या है और कब से कमिशनिंग एक्सपेक्टेड है फिर से शुरू होने के लिए? मेन जो डिले हुआ है वो मशीनरी की डिलीवरी टाइम से ना मिलने के कारण से हुआ है और अब मशीनरी की डिलीवरी आ रही है और हम लोग जुलाई 2023 से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और मैं समझता हूँ कि इनिशियली हम लोग 3 प्रोडक्ट जो है बनाने जा रहे हैं वहाँ पे सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स, और जो लॉन्ग टर्म का प्लान है वो जैपनीज कंपनी से टाइप का है और स्पेशलिटी मॉलिक्यूल उनसे मिल जाएंगे तो उसके बाद में रियल जो है उसका सेल्स और ग्रोथ आनी आएगी। ऑलराइट दानुका जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। दानुका जी बता रहे हैं कि डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है और ये भी बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफी कमी आई है जिससे उनको भी अपने कस्टमर्स को किसानों को पास ऑन करने में मदद मिल रही है और जनरली सेक्टर में अब थोड़ी सांस आई है क्योंकि फ्रेट और रॉ मटेरियल प्राइसेस दोनों थोड़ा ईज आउट हुए तो डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन आगे चलते हैं, आईटी की तो जबरदस्त पिटाई हो ही रही है लेकिन आईटी के बियॉन्ड बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा एक्शन हो रहा है। एक स्टॉक जो अक्सर डिस्कस तो नहीं होता है और ऊपर में अच्छा भाव हुआ करता था लेकिन आई थिंक रेडार पे होना चाहिए आपके, वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। प्रशांत, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का आईपीओ आया था, ऊपर में 800 रुपये के आसपास का भाव था, स्टॉक करेक्ट हुआ, 280 तक नीचे में गया और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 6 महीने का ग्राफ दिखाई दे रहा है साहब या 1 साल का, 280 के भाव से धीरे धीरे वापस ऊपर आ रहा है और इस समय 380 के आसपास आ गया है, लो करीब 280 के आसपास आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखिए धीरे धीरे उछल के आना शुरू हो रहा है, क्या इसमें बॉटम का प्रोसेस पूरा हो गया, क्या इसको लिया जा सकता है? अजय जी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दो तरीकों से हम अप्रोच करते हैं, एक होता है जब भी रिस्क बहुत कम हो और एक होता है कि ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क कम है बट ऐसा नहीं कि आप पूरी पोजीशन बना लो, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ट्रांचेस में जिसे बाइंग कहते हैं यानी छोटी छोटी पोजीशन में वो आप कर सकते हो बट आपका पोजिशनल हर पोजिशन पर एक स्टॉप लॉस होना जरूरी होता है वरना आपको पता नहीं आपके पोर्टफोलियो में कौन सा यस बैंक और डीएचएफएल आ जाए। तो अगर आप अभी 375 पे, मेरे हिसाब से आप 340 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के क्वांटिटी प्लान करके ट्रेड शुरू कर सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है बेस फॉर्मेशन के आसार नजर आ रहे हैं बट 340 आपका हार्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे क्लोज हो जाए तो आपको निकलना होगा। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है 20% ऑफ द पोजीशन आप बना सकते। एक और बाइंग ऑन ट्रांजिशन से एक और चीज याद आई कि आईटी में ना दो तरह से अगर आप देखिए, एक तो कंपनीज है जहां थोड़ा डीरेटिंग हुआ क्योंकि 10-12-15% ग्रोथ वाली कंपनीज हो गई है, पहले बहुत हाई ग्रोथ हुआ करती थी, डीरेटिंग काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी भी चल रहा है आपके रिजल्ट में, और वो है आईटी। लेकिन मिड कैप आईटी में कुछ ऐसी कंपनियां जो बहुत हाई 20-25-30% ग्रोथ वाली कंपनीज हैं, वो अभी भी हाई ग्रोथ कर रही हैं और वहाँ अभी एटलीस्ट नंबर्स तो नहीं बता रहे कि किसी भी तरह की बड़ी दिक्कत आई है। आज के फॉल में वो कंपनीज भी गिर रही हैं। आप फॉर एग्जाम्पल परसिस्टेंट को ले लीजिए,
जरा परसिस्टेंट का इंट्राडे दिखाइए, ये कंपनी गिरेंगी तो एक साथ में, लेकिन ये रिबाउंड ज़्यादा जल्दी फास्ट होंगी। आज का लो परसिस्टेंट ने बनाया है 3970 के आसपास, अभी का भाव देखिए 4065। फ्यूचर्स में देखेंगे तो आपको और अच्छी रिबाउंड जाएगी, सिर्फ परसिस्टेंट में बनी रही है रिक्टर साहब इस समय। मैं परसिस्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा कुश के साथ इन पर्टिकुलर, क्योंकि बाजार का पसंदीदा स्टॉक है, हाई ग्रोथ है, तो क्या ये स्टॉक नीचे में लिया जा सकता है इस समय? अजय बिल्कुल अग्री करता हूं मैं आपसे, बिकॉज क्या होता है जब यू नो मार्केट गिरते हैं या कोई सेक्टर में खराब न्यूज आती है, देन ऑल द स्टॉक्स गेट पेंटेड विद द सेम ब्रश, इट इज नेवर अ गुड आइडिया। परसिस्टेंट हमने देखा है, देयर हैव बीन टाइम्स जहां पे परसिस्टेंट ने आउट परफॉर्म किया है, यू नो इवन व्हेन द आईटी सेक्टर हैज नॉट बीन डूइंग वेल। रिजल्ट्स आएंगे तब पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी, बट अगर मैं टेक्निकली कहूँ तो बिल्कुल, अगर और आज इसका जो लो है 3790 के आसपास का जो लो है, ये बिल्कुल इसका जो मीडियम टर्म सपोर्ट जोन है विच कम्स टू अराउंड 3950 3960 के जो जोन से, बिल्कुल वहीं से रिबाउंड किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ऐसी कोई पैनिक सेलिंग में आपको यू नो डिप मिलती है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग देम और यू नो हैव देम इन योर यू नो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एज वेल विद स्ट्रॉन्ग यू नो स्टॉप लॉसेस। तो डेफिनेटली डोंट पेंट ऑल ऑफ देम विद द सेम ब्रश, जहां पे आपको टेक्निकली स्ट्रेंथ दिखे और अगर फंडामेंटली कहीं पे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, देन दीज आर यू नो सम ऑफ द गुड स्टफ दैट यू शुड हैव इन योर रेडार। एक स्टॉक में और ऐड करता हूं जो आईटी के यू नो सेक्टर में आता है, बट यू नो स्लाइटली डिफरेंट, विच इज वन ऑफ आर फेवरेट्स, विच इज केपीआईटी टेक। इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि आज एक अच्छा खासा फॉल है, 4.5 यू नो 5% का फॉल है, बट अगेन दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्टॉक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आईटी पैक, राइट? तो परसिस्टेंट, केपीआईटी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल आपके रेडार में होने चाहिए, कोई भी आपको डिप मिले तो आप इन्हें अक्यूमुलेशन के लिए यूज करें। All the scripts with the same brush or persistent, in fact persistently आपके रेडार पर रहता है कुछ। सही कहा आपने, इस वक्त अगर ब्रोकरेजेस की माने तो गिरावट में आईटी शेयरों को खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन ऐसे में कई सारे मौके भी बनते हुए दिखेंगे। और जैसे अजय बता रहे हैं कि जहां हम गिरावट देख रहे हैं, बाउंस बैक जब आईटी में वापस आएगा तो मिड कैप से शुरुआत होगी, इसी के चलते इन स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। लेकिन एक स्पेस है जहां पर लगातार हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन, अजय, रियल एस्टेट सेक्टर काफी हद तक एक्शन पैक यहां पर, तो इसके पीछे की वजह भी है नए लॉन्चेस ढेर सारे, कंपनियों के पिछले तिमाही के अच्छे नतीजे, इस वक्त भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अनुमान अच्छे हैं। कोल्टे पाटिल के चार्ट्स को लेकर आए, करीब 3.5% की तेजी है। आज कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने भी वाला है। रियल एस्टेट सेक्टर में ही कुछ अगर देखें, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, फीनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा, हर दिन चाहे बाजार की चाल किसी भी दिशा में हो, इन स्टॉक्स में एक्शन हम देखते हैं। और इस वक्त आउट परफॉर्म करता हुआ कोल्टे पाटिल। मानसी, इनफैक्ट अगर मैं यू नो पिछले 2 या 3 हफ्ते की बात करूं तो पिछले 2 से 3 हफ्ते में अगर हम टॉप 3 गेनिंग सेक्टर्स का नाम लें तो रियल्टी स्पेस हैज बीन इन यू नो दोस टॉप 3 टॉप 5 नेम्स यू नो एट वेरियस रैंक्स, बट इट्स ऑलवेज बीन देयर। सो डेफिनेटली एक यू नो अप मूव इन स्टॉक्स में देखने मिला है। कोल्टे पाटिल हालांकि मैं कहूंगा आज एक अपमूव है, बट हम इसमें यू नो लोअर हाइज का पैटर्न देख रहे हैं और ये 20-डे मूविंग एवरेज को भी सस्टेनेबली क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। 265 टू 270 का एक जोन है, इसके ऊपर अगर जाता है, सस्टेन करता है, तब फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट इसके सामने अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट देखूं तो बहुत क्लियर ब्रेकआउट है, सस्टेन्ड ब्रेकआउट है और अब सारे की एवरेजेस जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ वाइज डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पे होने चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आप फ्रेश एंट्री करें, 1265 के जो लेवल्स हैं इनको स्टॉप लॉस बना के चलें। पहला टारगेट आपके लिए 1330 का है, दूसरा टारगेट 1360 का निकल के आ रहा है। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज इज मच स्ट्रॉन्गर ऑन द चार्ट्स, कोल्टे पाटिल थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा मानसी, एक पॉइंट कि अगर आप गोदरेज को लीजिए, आप कोल्टे पाटिल को लीजिए, आप मैक्रोटेक डेवलपर्स को लीजिए, सबके एक एक साल के ग्राफ दिखाइए डॉक्टर साहब। आप लेके आइए प्रेस्टीज, सबके एक साल के ग्राफ दिखाइए, इन चारों नामों के एक साल के ग्राफ, आपको नजर आएगा कि टॉप से 50-50% गिर गए हैं स्टॉक। 600 वाला 450 गया नीचे में, आपका प्रेस्टीज, लोधा कोई 1300-1400 रुपए का था, नीचे में क्या गया, ये देखिए डीएलएफ है, 420 का टॉप, नीचे 300 के करीब गया। ओब्रॉय को लेके आइए और लोधा को लेके आइए, ये देखिए 1200 का टॉप था, नीचे में 720। और ये जो क्वार्टर है ना, जो क्वार्टर के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, ये क्यों गिरे स्टॉक्स, इनके नंबर्स में कोई स्लो डाउन नहीं आया, नंबर अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ में अच्छे चल रहे हैं। तो दो इश्यूज थे, एक तो थोड़ा मार्जिन प्रेशर क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से स्टील, सीमेंट सबके भाव चले हुए थे, और दूसरे इंटरेस्ट रेट। सो बाजार का परसेप्शन था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इनके सेल्स ग्रोथ होंगे, बाजार ने इनको डीरेट किया, लेकिन सेल्स ग्रोथ एक्चुअली में नहीं स्लो हुआ था। इस क्वार्टर में रिजल्ट से ज्यादा मैनेजमेंट कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी,
अगर रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी आई कि आगे ग्रोथ है, तो ये स्टॉक्स में इस क्वार्टर का भाव वापस आपको मिलेंगे नहीं, नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर आ गए, इसलिए तलेले साहब से जब मिलेंगे तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। बट बड़े वालों को जरूर देखिए, क्योंकि ये धंधा पूरा अब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बुरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है। छोटे छोटे शहरों में जाइए आप, लोग ब्रांडेड डेवलपर्स के फ्लैट खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं। बिग प्लेयर्स पर खास नजर रखनी है और रियल एस्टेट सेक्टर पर ही नजर बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन कनेक्टिंग प्ले सीमेंट में भी आज अच्छा एक्शन, अच्छे अप मूव्स दिख रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, ये सारे के सारे चार्ट। तो प्रशांत, सीमेंट में मिड कैप सीमेंट प्लेस पर भरोसा बढ़ता है या फिर बड़ी दिग्गज कंपनियों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं रियल एस्टेट और सीमेंट साथ साथ इस वक्त चल रहे हैं। जी मानसी, मैं जब भी सीमेंट सेक्टर में देखता हूँ, मेरा प्रेफर्ड पिक हमेशा अल्ट्राटेक सीमेंट रहा है। एक्सट्रीमली बैंकेबल, एक्सट्रीमली डिपेंडेबल, और मैंने आज तक इसमें कभी शॉर्ट ट्रेड सजेस्ट नहीं किया है, ना ही कभी देखा है। मैं हमेशा इसमें डिप्स के लिए वेट करता हूँ, मार्केट वीक हो जाए तो मैं सबसे पहले वेट करके देखता हूँ कि क्या इस स्टॉक में बेस बन रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा लेवल पे है, बट सिर्फ दिक्कत यह कि रेजिस्टेंस के करीब है, जो आज का हाई बना हुआ है करीबन 7825 स्पॉट में, ये एक रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल जिनके पास पोजीशन हो वही ट्रेल करे 7725-50-55 के जोन से फ्रेश पोजीशन। इस लेवल पे मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट रहूंगा, बट अगर डिप मिल जाए इन फ्यूचर, मार्केट वीक हो जाए, तो डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर में यही स्टॉक प्रेफर करना चाहिए। किर्लोस्कर ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आ रही है। किर्लोस्कर फेरिस को लेके आइए डॉक्टर साहब, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन को लेके आइए, दोनों में अच्छी बाइंग हो रही है। ये भी पुणे बेस्ड स्टॉक्स हैं, काफी चलते रहते हैं। क्या इसमें नया मूव आ रहा है? किर्लोस्कर फेरिस देखिए डेज हाई, किर्लोस्कर ऑयल इंजन वो भी डेज हाई 3% ऊपर। प्रशांत, इन दोनों को जरा चार्ट चेक करके बताएं। जी अजय जी, जहां तक किर्लोस्कर फेरिस की बात है, ये करीबन 450 के जोन पे आया हुआ है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें जो डिप है ये डिसेंट डिप है। आप अगर यहाँ पे एंटर करना चाहते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो करीबन होना चाहिए 430 और से लेके 425, एक प्रेफर्ड स्टॉप लॉस 425 का होगा, और वो स्टॉप लॉस लेके आप एंटर कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगले 3 हफ्तों में मुझे लग रहा है कि ये करीबन यहाँ से 480-490 तक के जोन दिखा सकता है, तो बिल्कुल राइट लेवल टू एंटर। टू एंटर तो किर्लोस्कर पर है, पर निफ्टी पे प्रेशर और बढ़ा, 200 पॉइंट्स 17600 के पास आप वापस चले गए, ये एक सपोर्ट जोन भी है। इसे अगर बाजार डिक्लाइन करता है तो एक बार व्यू जरूर एक्सपोर्ट से आगे लेंगे, लेकिन एक बार